ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੀਆਂ। ਜੀ ਜਾ ਜੀ ਜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਿਮਰ ਗੇਮਿੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਿਮਰ ਗੇਮਿੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਲਾਈਕਿੰਗ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਆਵਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਫੀਫਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਆਜ ਹਮ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਆਪਸੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਸ ਅ ਮਡ ਰਨਰ ਗੇਮ 5 ਤਰੀਕ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, 5 ਮਾਰਚ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕੋ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾ ਹਮਨੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹਮਨੇ ਇਸਕਾ ਬਾਏ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਲੀਏ ਹਮ ਆਜ ਇਸਕੋ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈਂ। तो इसको इसके फर्स्ट इंप्रेशंस आपको आज मिल जाएंगे देखने के लिए। उम्मीद है कि क्योंकि ये मेरी अरे फीहो भाई, सब बढ़िया, आप बताओ कैसे हो भाई। EXPE EX। एक्सपीडिशन DITION S DITION S एक्सपीडिशन मर्डर आर गेम, क्या बात है यार। EXPE है भाई, यहाँ पे गलत कर गए हम। एक्सपीडिशंस ठीक है। PE Expeditions, भाई आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही हमें आपसे ये साझा करते हुए कि ये गेम मेरी पहली गेम है, सिमर गेमिंग यूट्यूब चैनल की पहली गेम है जिसको मैंने प्री ऑर्डर पे बाय किया हुआ है, और ये रिलीज भी आज ही हुई है प्री ऑर्डर के लिए। तो मैं इस पे एक बार न्यू प्लेलिस्ट बना देता हूँ। EXPEDITION S Expeditions EXPEDITION S Expeditions AMUDRU Murderer Game। ओके, स्ट्रीम लैंग्वेज हम चेंज कर लेते हैं। तो यार ये गेम हमने डाउनलोड करके रख ली हुई थी ऑलरेडी। फीवो भाई आवाज़ ठीक आ रही ना मेरी, ज़्यादा लाउड तो नहीं आवाज़? अगर बोलते हो तो मैं माइक थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, अगर बोलते हो तो ऐसा। अगर आपको आवाज़ ज़्यादा लग रही तो माइक सेट कर सकते हैं, क्योंकि आज हेलो 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 ज़्यादा लग रही मेरे को। हेलो 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 ये ठीक है, थोड़ी सी कम। हेलो 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 ये ठीक है। तो पहले से कर लिया करो, कर लिया फीफा भाई, हो गया, बस इतना टाइम लगता है एक्चुअली। फीफा भाई इसमें ना टाइटल आप पहले सेट करोगे, फिर डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें डालनी होती हैं, तो वो लैपटॉप से होता है, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो साइमल्टेनियसली सेट ऐसा रहता है कि प्ले स्टेशन पहले लाइव होगा, उसके बाद आपकी सेटिंग्स होंगी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं भाई, उसका थोड़ा मसला रहता है। तो उस हिसाब से आपको अभी तो मैंने फिर भी ऐसा किया कि लैपटॉप बिल्कुल पास में रखा हुआ है, तो मैं पास से कर लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज पहले मेरे को पहले करना पड़ता था। चलो जी, तो सबका बहुत बहुत स्वागत।
एक्सपीडिशंस ए मर्डनर गेम आज रिलीज हो चुकी है प्री ऑर्डर के लिए। अब ठीक है बस, ओके भाई, ओके ओके ठीक है फीफा भाई, अभी मैंने सेट कर लिया। तो एक बार चेक करते हैं कि लॉजिटेक G29 इसके ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आ जाओ एक बार चेक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर 1 लाइक। तो ये हम इसको दबा रहे हैं जी, लॉजिटेक G29। ओ भाई साहब, ये अग्री कर लेता हूँ, लेकिन इसको मेरे को लो जी। तो म्यूजिक की वॉल्यूम बंद की है मैंने अभी, क्योंकि म्यूजिक की वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी। तो ये है जी अपना माहौल चाल, और इसमें आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो चल रहा है। ये देखिए लॉजिटेक G29 इसके ऊपर काम कर रहा है। ये मैंने साइड पे रखा हुआ है अभी तक फॉर द टाइमिंग। तो स्टीयरिंग व्हील इसके ऊपर बिल्कुल सही चल रहा है। न्यू गेम मॉड ब्राउजर है इसमें, DLC स्टोर है, सेटिंग्स हैं इसमें। सेटिंग्स में आपको एक बार चेक करता हूँ, स्टीयरिंग मोड कंट्रोलर रहेगा आपका, स्टीयरिंग व्हील आप सेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैंने स्टीयरिंग व्हील सेट कर लिया है। ड्राइवर हैंड अपने को छिपाना नहीं है। हाइड किसी भी इज यूनिक गेमिंग आइडेंटिफाई जनरेटेड ईच टाइम द गेम स्टार्टेड, इट कैन बी यूज बाय डेवलपमेंट टू रिपोर्ट बग्स एंड इश्यूज से। ओके, तो इसको मैंने ऑफ करके रखा है, हाइड को ऑफ करके रखा हुआ है। और गेम लैंग्वेज इंग्लिश है हमारी। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इसको आप इंपीरियल या मैट्रिक में कर सकते हो, मैंने इस पे रखा हुआ है। ट्यूटोरियल्स रिपीटेड हिंट्स अपने ऑन है। एग्रीमेंट्स का वो हो गया हुआ तामझाम इसमें। तो ये हो गया जी इसका। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस अफेक्ट्स हाउ स्टीयरिंग इनपुट इज इंटरप्रेटेड, सेलेक्ट विच डिवाइस यू इंटेंड टू यूज टू गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस। कंट्रोलर ये देखिए, ओनली पॉजिटिव इनपुट्स इज अप्लाइड, व्हील्स ओनली स्टीयर बैक टू सेंटर व्हेन फोर्स्ड टू बाय फिजिक्स। ठीक है जी, तो अभी है जी स्टीयरिंग व्हील इनपुट इज अप्लाइड डायरेक्टली, दिस मोड इज इंटेंडेड टू यूज विद द स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील है अपने पास एंड विल कॉज ऑटोमेटिक व्हील सेंटरिंग इफ यूज्ड विद द कंट्रोलर। ठीक है जी, ओके हो गया जी। वीडियो में आ जाएं आप, ब्राइटनेस आपको दिख रही है, जस्ट इन गेम ब्राइटनेस आप देख ही सकते हैं इस पर। तो ब्राइटनेस अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये मेरे को लगता है दिस इज मच बेटर, लेकिन ये उतना आपके लिए कम हो जाएगा। तो मेरे को लगता है ये, या थोड़ा सा वो भी दिखना चाहिए ना, ये कहीं ना कहीं मैच लग रही है मेरे को। मोशन ब्लर है, फिल्म ग्रेन है, शार्पनिंग जो है ये फिडेलिटी एफएक्स है, फर्स्ट पर्सन व्यू, थर्ड पर्सन। उसके बाद आते हैं जी ऑडियो में। तो ऑडियो में मास्टर वॉल्यूम हमने फुल की है, म्यूजिक वॉल्यूम हमने बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि इसमें फिर आपके कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाता होता है। इंजन वॉल्यूम फुल है, एम्बिएंट वॉल्यूम फुल है। HUD आ गए जी, जोन मार्कर्स हैं, ऑब्जेक्टिव मार्कर्स हैं, फोर्स व्हील इनपुट प्रॉम्प्ट्स। तो ये ऑन कर देता हूँ मैं, ताकि व्हील का अपने को दिख जाएंगे। कंट्रोलर में आपका वाइब्रेशन आ गया जी, इसका स्वैप ये मैंने चेंज किए, कंट्रोल स्कीम वही रहेगी, 6-6 सेंसिटिव वो। तो व्हील्स आ गई हैं जी, व्हील्स मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं, व्हील्स आ चुके हैं। यहाँ पे माहौल बन चुका है बहुत शानदार। तो व्हील डायरेक्ट इनपुट है, लॉजिटेक ट्रू फोर्स है। तो आप जो सा भी आपके पास होगा तो आप कर सकते हैं। ये देखिए लॉजिटेक ट्रू फोर्स है, लॉजिटेक लेगेसी है, डायरेक्ट इनपुट है, लॉजिटेक ट्रू फोर्स बेसिकली हम यूज़ मेरे को लगता है शायद करते हैं। तो ये आप कस्टम में जा सकते हैं, ये देखिए कस्टम, ओके। तो ये हमने कस्टम किया और ये रुक गया, कुछ तो हुआ है। ओ ये रुक गया, व्हील रुक गया हमारा। आई थिंक डायरेक्ट इनपुट में रहना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। डायरेक्ट इनपुट में जाना चाहिए मेरे को लग रहा है शायद, पता नहीं क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं। फेनेटिक वाला मेरे को लग रहा है शायद इसमें चल रहा है, यस। लॉजिटेक ट्रू फोर्स, लॉजिटेक लेगेसी रहेगा, थ्रस्ट मास्टर रहेगा, डायरेक्ट इनपुट रहेगा। और लॉजिटेक ट्रू फोर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, फेनेटिक वाला रहेगा, थ्रस्ट मास्टर रहेगा, कॉमन कंसोल प्रेजेंट रहेगा। तो कॉमन कंसोल प्रेजेंट है, ये कस्टम में तो नहीं, तो कॉमन कंसोल प्रेजेंट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली। ठीक है, व्हील सेंसिटिविटी है ये, ठीक है, फोर्स फीडबैक पूरी है, टिल्ट ग्रीन, ये सारा कुछ ठीक है इसका। ठीक है जी, पेयर्ड पैडल्स ऑफ हैं, इन्वर्ट थ्रोटल ये सब ऑफ है। तो पेयर्ड पैडल्स का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब कि आप उसके साथ ही चलेंगे ये वाले। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मॉड ब्राउजर में आपको दिखाता हूँ कि मॉड ब्राउजर में क्या क्या आया हुआ है। DLC स्टोर है इनका प्रॉपर, एक DLC स्टोर आपको दिखा देता हूँ कि DLC में ये जो चीज़ें हमने बाय की हुई हैं ये अपने पास ऑलरेडी हैं। द ग्रेट डॉन 71 अपने को मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, इसमें जो आपको मिल जाएगा
तो ये वाला मिल सकता है अपने को, उसके बाद मिल सकता है क्या, मिला हुआ है बेसिकली। और ये पाइनियर पैक है, ये पूरे का पूरा अपने खरीदा हुआ हमने, और ये एक एक साल का पूरा पास है। एक साल के अंदर जो जो भी आएगा अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है जी। और ये कॉटको कैनियन अपने को फ्री मिली है लाइब्रेरी में, ठीक है जी। इसके बाद आपके मॉड ब्राउजर्स आ गए, तो इसमें आपको मॉड ब्राउजर में आप जाके वही कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रहता है इसमें। तो ये टेक्स्ट इनपुट आप इसमें डालेंगे, यहाँ पे ईमेल डालेंगे आप अपनी, तो वो डाल के आप इसमें वो कर सकते हैं। तो ये वही है मॉड, मॉड्स हैं, इनके मॉड्स भी आए हुए हैं, तो मैं एक बार डाल के आपको दिखा देता हूँ। लो जी, तो ये हमने सेंड कर दिया हुआ है। ऑथेंटिकेशन के बाद अपने को एक ईमेल आएगी, वहाँ से हम अप्रूव कर देंगे। वो वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार, वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। लो जी, वेरिफिकेशन कोड आ चुका है अपने को। तो ये हमने सिक्योरिटी कोड डालना है इसमें यहाँ पे। अच्छा, टैक्स इनपुट यहाँ से आएगा, ओके। तो ये आया हुआ अपने पास, ओहो, टेक्स्ट इनपुट यहाँ से डालेंगे आप। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी यार इस गेम की। तो लो जी, मॉडर्न कम्युनिटी में आपका स्वागत हो चुका है मेरे दोस्तों, बहुत बहुत। तो ये मॉड ब्राउजिंग हमने शुरू कर ली है, ठीक है जी। नो मॉड्स फाउंड अभी तक, इसको कुछ आया नहीं बोल रहे हैं। रिफ्रेश हम करके देख सकते हैं, फोकस सर्च भी है, मोर भी है। मोर में आपको मतलब आप ये देख लेंगे सारा सेटिंग करके। तो अभी तक के लिए तो मॉड ब्राउजर में कुछ इन्होंने डाला नहीं, लेकिन मेरे को लगा था पता कि आ गए हुए हैं। डेट सेटेड है, पॉपुलर टुडे है। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब्ड जो है वो देख सकते हैं, यहाँ फिल्टर में आप सब्सक्राइब मोड्स ओनली है, एनेबल्ड है ओनली, तो ये आप सब देख सकते हैं। सेटिंग्स है, साउंड है, इंजन है, ट्वीक, न्यू व्हीकल, बेस, ये सारा कुछ आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी आइटम्स इसमें हैं कि आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो इसमें व्हीकल्स भी हैं आपके, ट्रक्स हैं इसमें। ये मैप्स वाला है आपका, अलग आपको चाहिए अगर इन्वेंट्री आइटम चाहिए आपको तो वो भी आ जाएंगे इसमें। तो ये सब फिल्टर्स आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है जी। ये टायर्स के हैं, ये मल्टीप्लेयर हैं, ये सिंगल प्लेयर हैं। तो अभी तक के लिए मॉड्स कुछ आए नहीं इसमें, मेरे को पता नहीं लग रहा है। और कोप जो है इसमें वो अभी आएगा, इसमें कमिंग सून लिखा हुआ है इसमें, तो वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है जी। L3 से मैं डाल के देख रहा हूँ, करीब फोकस अच्छा नहीं, R3 से आप देख रहे हैं, रिफ्रेश करके अभी आ नहीं रहा है, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ सेव्ड गेम्स, एम्प्टी स्लॉट्स, चार स्लॉट्स रहेंगे अपने पास। एक्स दबाते हैं हम इस पर। लो जी, मेन बेस, द एवरेज, टर्निंग रेडियस फॉर, ये सारी वो चीज़ें जो आपको पता ही हैं कि ये जो जो बताते हैं। ये आप स्किप सीन भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं इस पर। तो आ जाओ, माहौल चाल बना रहे। तो आज हम खेल रहे हैं स्नो रनर की जो नई गेम आई है, एक्सपीडिशंस, ए मर्डनर गेम। आज हमारा पहला दिन है, तो ओके करते हैं यहाँ पे। प्रेस R2 टू स्टार्ट द इंजन। तो ये मैंने सारे सेटिंग्स हैं जो लॉजिटेक G29 पे हमने किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये R2 दबाएंगे, हैंड ब्रेक मेरी एक्स से रिलीज होगी, और R2 से फॉरवर्ड, ओके। लो जी, तो स्टेयरिंग में आपको एक बार दिखा देता हूँ काट के क्या इसकी इनपुट्स रहने वाली हैं। अब ये देखो, ओके, तो ये देखिए, ये इसके टायर मुड़ रहे हैं भाई साहब, इस समय पूरे स्टेयरिंग व्हील काम कर रहा है। तो ये क्लच काम कर रहा है इसका, गियर शिफ्टर अभी तक काम नहीं कर रहा, तो गियर शिफ्टर के ऊपर मेरे को लगता है कि काम हम करेंगे। तो ये देखिए, ये ओके, तो इसका इंजन यहाँ से बंद होता है, ये क्लच इसका काम कर रहा है। सो दिस क्लच इज वर्किंग नाउ, भाई साहब गजब गलबात। तो ये ग्राफिक्स दिखाता रहा हूँ आपको, ये माहौल है इस गेम का, बहुत रियलिस्टिक लगने वाली है, बहुत रियलिस्टिक। तो इसमें आपको वैसे मेरे को लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो चलो शुरू करते हैं एक बार। लाओ जी भाई, लेवल चेक करो गलबात का। तो ये ऑटो पे चला रहे हैं हम, जिस पे मैं प्रेज करता हूँ बेसिकली, मैं ऑटो पे कम चलाता था उसको। धुआं काफी ज्यादा फेंक रहा है ये ट्रक,
भाई साहब ग्राफिक्स ग्राफिक्स चेक कर रहे हो लौंडों का जरा। और ये 2024 मतलब 4 साल बाद ये गेम डाली है इन्होंने निकाल के, तो आप हिसाब लगा लीजिए जिस हिसाब से ग्राफिक्स डाले हैं लड़कों ने। सो कीप फॉलोइंग द क्वेस्ट मार्कर्स, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्वेस्ट मार्कर्स मिल जाते हैं, आपको स्नो रनर की तरह बार बार मैप खोल के उस पर अपने आप सेट करना नहीं पड़ता। और उसके बाद जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे राइट साइड पे आपको सारा कार मतलब ट्रक का मैकेनिज्म है सारा, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं राइट डाउन, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो ग्राफिक्स तो फीफा भाई बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई। फीफा भाई 4 साल की जो मेहनत है ना वो आपको दिख रही है कि कितना मेहनत से इन्होंने काम किया है। और राइट साइड डाउन जो आपका राइट साइड बॉटम है वहाँ पे आपके वो गियर शिफ्टर्स हैं सारे, ये देखिए ये क्लच रहेगा, ये देखिए ये क्लच काम कर रहा है आपका, और यहाँ पे आपको सारा पार्किंग ब्रेक का दिया हुआ है, ये देखिए ये क्लच चलेगा यहाँ पे, और ये पार्किंग है, ये देखिए पार्किंग दबाएंगे आप इसको, ये देखिए, और ये आपका फोर व्हील ड्राइव है, और ये आपका डिफरेंशियल लॉक है, ये देखिए ये डिफरेंशियल लॉक है ठीक है आपका। तो ये सारा है, और लेफ्ट साइड पे वो टायर्स का है अगर आप देखेंगे तो, क्लच दबा के देखिए ये देखिए ये नीचे सारा आ गया, तो ये क्लच इधर वाला काम करता है, ये देखिए। सो ये तेल है, तेल कितना है इसमें, 140 लीटर की टैंकी है इसमें, और 30 लीटर की अपने पास तेल की वो कैपेसिटी है, 86 का टायर है वो देखिए, और 86 जो है ये 100 में से है कि आपके टायर्स कितने कंडीशन क्या है उसकी, और 84 है गियर की कंडीशन, इंजन की कंडीशन, पेट्रोल की कंडीशन और शॉकर्स की कंडीशन, तो ये बात है इसकी ठीक है जी। और अगर आप डी पैड डाउन दबाएंगे तो ये आपका रहेगा जी टायर प्रेशर, जिसको आप ये देखिए ये रिड्यूस हो गया, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ये और लो हो गया ठीक है जी। तो अभी इस समय अगर आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, ओके, तो अगर आपको इसको घुमाना हो तो आप कहाँ से घुमाएंगे, वो मैं देख रहा था इसको, मेरे को लगता है फिर आपको रिमोट से ही घुमाना पड़ेगा अगर आप कैमरा एंगल चेंज करते हैं, यहाँ यहाँ से होता है नहीं होता, तो आपको यही है ऐसे, ये देखिए। तो अभी आप एक बार चेक कीजिए, हाँ ये देखिए, तो अभी आप एक बार टायर्स में हवा चेक कीजिए। सो ये टायर्स में हवा हमने बिल्कुल कम किया है, देखिए ये देखिए, तो टायर ये डिफ्लेटेड है इस टाइम, टायर्स डिफ्लेटेड हैं इस समय। और आप इसके बाद इसको इन्फ्लेट भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो अभी आप एक और काम कर सकते हैं, इसको आप इसी बटन में जाके ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे आप इसको जाके ये देखिए, ये गैस टैंक है, इंजन है, ये सारा इसमें ये चीज़ें रहती हैं, गियर बॉक्स है, ये व्हील्स है, ये रहता है, तो आप इसको दबाएंगे, ये देखिए अभी टायर साइज़ देखिए कैसे काम करता है, ये देखिए ये बिल्कुल कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ये देखिए और ये देखिए। और इसमें जो टायर ट्रैक्शन है नीचे वो दी हुई है आपको, तो आप ये देखिए सेव गेम होगी अपनी ऑलरेडी, तो टायर्स का ये जो नया फीचर इसमें आया ये सिर्फ इसी गेम में आया अभी तक के लिए। तो अगर आप रॉक्स के ऊपर हैं तो ट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त होगी, मड के ऊपर एवरेज रहेगी, और अगर आप ये देखिए ये रॉक के ऊपर एक्सीलेंट रहेगी, मड के ऊपर एवरेज रहेगी, और ये देखिए ये मड पे और रॉक पे एवरेज रहेगी। तो अगर आप रिड्यूस्ड प्रेशर से चलाते हैं तो ये रॉक्स के लिए एक्सीलेंट है, मड के लिए एवरेज है, और ये फिर रॉक के लिए एक्सीलेंट है, मड के लिए एवरेज है, लेकिन ये देखिए ये रॉक और मड के लिए एवरेज है ठीक है जी। तो ये इसमें नई चीज़ डाली इन्होंने, ये आप मान के चलिए कि इसमें इन्होंने सबसे बेस्ट फीचर जो है ये है, ट्रैक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है जी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये इसकी खासियत है ठीक है जी। तो आप इसको कंफर्म करेंगे और इसके बाद आप फिर से यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा एंगल मैं यही रखता हूँ हमेशा, स्नो रन में भी मैं यही रखता हूँ एंगल ताकि आपको सारा दिखे। तो कंट्रोल्स आप इसके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं करूंगा अभी, क्योंकि मैं स्नो रनर जिस कंट्रोल्स के जिन कंट्रोल्स के साथ खेलता हूं मेरे को उसी पे इजी लगेगी ये, तो मैं उस हिसाब से करूंगा। और मैं आपको दिखाता हूं एक बार, ये लाइट्स के लिए इन्होंने दिया डेडिकेटेड, डेडिकेटेड ये चीज़ें तो वो कुछ कुछ है, तो ये ऑटो पे चला रहा हूँ अभी मैं इसको ठीक है। और ये अपने को एक ट्रेल वो ट्रायल सा ही दे रहे हैं कि आपने कैसे कैसे क्या क्या चलाना है, तो ये देखिए ये हम आ चुके हैं यहाँ पे,
ना इसका डिफरेंशियल लॉक ऑन है अभी, और ना इसका अभी तक के लिए 4x4 ऑन है, तो ये दोनों बंद है। ठीक है जी, बहुत सही, बहुत बेहतरीन। ओके, टू मूव फर्दर यू विल नीड टू एंगेज द ऑल व्हील ड्राइव, मेकिंग द ट्रेवर्सल ऑफ एनी रफ टेरेन मच इजियर बट द कॉस्ट ऑफ हायर फ्यूल कंजम्पशन। तो इसमें दो चीजें हैं कि अगर आपने ऑल व्हील ड्राइव ऑन करनी है वो ऑन हो जाएगी, लेकिन उसका जो फ्यूल का कंजप्शन है वो ज़्यादा रहने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ मैटर करेगी। तो आपको इसको ओके करना है, और आप क्लच आपको दबाना है और सर्कल साथ में दबाना है। तो क्लच का ऑप्शन आपका, ये स्टील पैड भी काम करेगा, ये देखिए ये भी कर सकता है, लेकिन आपका क्लच भी कर सकता है। तो बेसिकली आप दोनों से काम कर सकते हैं। तो ये हमने ऑल व्हील ड्राइव ऑन कर दिया वो अभी, जिसकी वजह से ये भाई, अब इसके ग्राफिक्स चेक करना है जना, यहाँ पे काम आएंगे आपके ग्राफिक्स, ये देखना ग्राफिक्स चेक करना अब इसके। मैं आपको अभी डेडिकेटेड दिखा देता हूँ, हाँ ये देखिएगा ग्राफिक्स चेक कीजिएगा थोड़े, ये देखिएगा अभी ग्राफिक्स चेक कीजिएगा मेरा इसके, वो देखो भाई साहब, ऑफ रोडिंग में इससे ऊपर गेम मेरे को लगता नहीं अभी तक आज तक बनाई होगी किसी ने। आप चेक कर रहे हैं वो देखिए, रहा चेक कर रहे हैं वो देखिए, ये हमने ऑल व्हील ड्राइव ऑन किया और ये यहाँ से निकला यार, बेहतरीन, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ये वर्थ द वेट है। आप ये हिसाब लगा लीजिए कि ये वर्थ है वेट के भाई साहब, इससे ऊपर गेम मेरे को नहीं लगता होगा भाई, ये ख़त्म करके दुनिया भाई साहब, ये देखिए, और ये जाने जाते हैं इसके लिए। ये देखिए अब हम सारे मड्डी वाले रास्ते में आ गए, तो ये स्टेज एक और कंप्लीट होगी हुई है। ओके, तो अब इसमें और ज़्यादा एक चीज़ रहती है, डिफरेंशियल लॉक। इफ़ यू आर कम्प्लीटली स्टक यू मस्ट एंगेज द डिफरेंशियल लॉक, दिस विल हेल्प अलाउट इन ऑर्डर टू यू हैव टू शिफ्ट टू अ लोअर गियर। तो इसमें ऑटो में ये डिफरेंशियल लॉक काम नहीं करता, आपको लो गियर में डालना होगा डिफरेंशियल लॉक ऑन करने के लिए। ठीक है जी, तो आप एक बार ऑन करेंगे, ओके, तो आप एक बार फिर से डाल के इसको और लोअर गियर में डालेंगे इसको। अब लोअर गियर ना मेरे को इसी के गियर सेट करने मेरे को, तो मैं एक बार पहले वो डाल देता हूँ, एक बार सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। आप इसको सेट कर सकते हैं स्टेयरिंग व्हील में जाके, आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि आप इसको वो कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे है स्कीम ए, ओके, कंट्रोल स्कीम, यार वो व्हील में होना चाहिए ना। एक बार चेक करता हूँ, इन्वर्ट ब्रेक, इन्वर्ट क्लच है, ये तो नहीं चाहिए मेरे को। हाँ व्हील कंट्रोल्स, ये देखिए स्टेयरिंग व्हील एक्सल आ गया, थ्रॉटल पेडल आ गया, ब्रेक आ गया, ये सारा वो काम करेंगे। स्टेयरिंग व्हील का एक्सेस ये है, थ्रॉटल पैडल होगी, इसको आप दबाएंगे, कस्टम इज टू मैनुअल, वुड लाइक टू स्विच टू कस्टम प्रेजेंट। तो आई थिंक वी विल गो विद कस्टम, कर सकता हूँ मैं, क्योंकि फिर नहीं तो ये गियर नहीं, यहाँ तो फिर एक काम करते हैं, एक बार गियर्स में देख लेता हूँ कि कौन कौन से हैं। ऑल व्हील ड्राइव ये सारा ठीक है, ये कस्टम में उसमें चला जाएगा। कैमरा डाउन, कैमरा लाया, राइट लेफ्ट, ये हो गया सारा। टायर इन्फ्लेशन सिस्टम, ये देखो यहाँ पे, ये भाई साहब ये है मेरा काम। तो रिवर्स कस्टम चाहिए ना उनको, ओके लो जी ये रिवर्स आ गया, तो ये मेरे को कस्टम ही डालना पड़ेगा यार इसमें ना, ओ कस्टम ही डालना पड़ेगा मेरे को इसमें। हाई गियर के लिए आपको, मैं वही सेम सेटिंग्स ही कर रहा हूँ जो मेरी उसके साथ चलती थी, ठीक है, तो हम कस्टम उसी के साथ चलते हैं। हाई गियर मैंने रखा हुआ था, तो सामने लो रहेगा पीछे हाई रहेगा, तो हाई गियर रहेगा ये वाला, ठीक है जी, ओके, और लो पहले डाल देता हूँ, ये रहेगा मेरा लो, ठीक है जी, और इसके बाद लो माइनस, ठीक है जी, और अब रहेगा लो प्लस, ये लो प्लस हो गया, ठीक है जी, और न्यूट्रल, ओके, ठीक है, तो न्यूट्रल तो मेरे को लगता है शायद, ओ अच्छा न्यूट्रल मैंने ये रखा होता है इसका, ठीक है, तो ऑटो के लिए मैं रखता हूँ
ये वाला 39, और पीछे के लिए रखता हूँ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल अपना, ठीक है जी। व्हील यूआई अप डाउन है, ये सारे आ गए, ठीक है। गियर्स तो मैंने सेट कर लिए ऑलरेडी, ओके। तो ये मसला ये है कि आपको इस सब सबका ही कस्टम करना होगा ना फिर तेरे को, चक्कर ही पड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इस पर थोड़ा सा मेहनत लगेगी। वो मैं सेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो स्टेयरिंग व्हील एक्सिस रहेगा, थ्रॉटल पैडल रहेगा, ये थ्रॉटल पैडल है, ब्रेक है, क्लच है, ओके। हैंड ब्रेक मैंने सोची थी, इससे रखता हूँ मैं हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक आएगी, ये हैंड ब्रेक है मेरी। क्विक विंच ट्राइंगल से रहेगी। ऑल व्हील ड्राइव मेरा ऑल व्हील ड्राइव रहेगा, डिफ लॉक। ओ अच्छा, ये चक्कर है। ऑल व्हील ड्राइव मेरे को लगता है शायद यहाँ पे चक्कर पड़ने वाला ना मसला थोड़ा सा, ये है चक्कर। ऑल व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव मैं किससे रखूँ? एक मिनट है, ये इसको खाली रखता हूँ भाई मैं। रिसोर्सेज हैंड ब्रेक के लिए ये हो गया, हेडलाइट हॉर्न के लिए मैं R3 रख सकता हूँ, इंजन R2 रख सकता हूँ, नेविगेशन मैप पॉज मेन्यू हो गया। नेविगेशन मैप कहाँ से रखना मेरे को, चक्कर पड़ेगा, ठीक है। हेडलाइट्स का बटन रखता हूँ, L2 से, ठीक है। कैमरा पर कैमरा डाउन, पीओवी अप, कैमरा डाउन, कैमरा लेफ्ट, कैमरा राइट, जूम इन, जूम आउट माइनस से, टॉगल कैमरा, टायर। अब यहाँ पे चक्कर पड़ जाएगा ना, टायर इन्फ्लेशन का सिस्टम का चक्कर पड़ेगा। और डिवाइसेस वाला भी चक्कर है, इन्वेंटरी गियर इन्वेंटरी का भी चक्कर है, व्हील यूआई डिक्लाइन, लेफ्ट राइट डिवाइसेस का, ये बड़ा चक्कर है भाई। यहाँ पे विंच कंट्रोल्स है, पुल पुश, भाई कतई गलबात अलग ही है। ओ भाई, ये व्हील्स के ऊपर सारा कैसे जाएगा मेरे को वो समझ लग रही है, क्योंकि एक बार में दो चीजें नहीं कर पाएगा ये, अपना कैमरा नहीं कर पाएगा। अब गियर शिफ्टर में गियर्स तो सारे सेट कर लिए थे मैंने, लेकिन वहां पे दिक्कत है कि अब इतने सारे कंट्रोल्स में मैं कैसे मैनेज करूंगा इसको। बाकी सारा कुछ तो ये है, लेकिन देखो ना, रिपेयर L1+X, L1+R, वो मसले में फंस जाऊंगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दिक्कत में फंस गया हूँ, चलो कोई नहीं, चेक कर लेते एक बार।
वी लिव और कस्टम की जगह ना कॉमन कंसोल पर कर लेता हूँ एक बारी। कॉमन कंसोल करके देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए ये लो में अब यहाँ से चला जाएगा, होल्ड एंड शिफ्ट टू लो गया, ये देखो ये लो में चला गया। और उसके बाद चलो ये डिफलॉग लग गया अपना, एक बार चेक कर लेते हैं। डेंजरस वाटर लेवल है पीछे, वो सीधा जाना अपने को, ठीक है। यहाँ से भी निकल के जा सकता हूँ। अब यार गेयरिंग वाला चक्कर पड़ गया, क्योंकि अगर मैं सारा कस्टम करूँगा तो वो मेरे को थोड़ी बहुत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बेसिकली मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि L1 दबा के दूसरी चीज़ को करना वहाँ पे परेशानी रहने वाली है। कोई नहीं उसका भी देख लूँगा मैं क्या करता हूँ। भाई ये जाना कहाँ से है मेरे को वो नहीं समझ लग रही। रवि भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? वेल थैंक यू सो मच फॉर 3 लाइक्स यार। ये यहाँ से चढ़ रहा है अपना ट्रक, ओ भाई। और यहाँ पे आप इसका ये देखिए, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये देखो अब इसको कंफर्म करता हूँ। इसमें टायर प्रेशर मैंने कम कर दिया, जिसकी वजह से रॉक्स के ऊपर इसकी वो ज़्यादा ग्रिप ज़्यादा बन जाएगी। और आप एक और ये अंदर वाला कैमरा ये देखिए, इससे ग्रिप और बन जाएगी। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो। तो ये रॉक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रिप के लिए आपके टायर में सबसे ज़्यादा कम हवा होनी चाहिए। स्टेज कंप्लीटेड हो गई है, बहुत बहुत बताइए आपको। तो यहाँ पे एंटर एक्सचेंज मोड में जाके आप ट्रेड में जा सकते हो। तो ऑन योर लेफ्ट इज व्हीकल्स, अरे भाजी आपको पता नहीं रणवीर भाई यार गेम क्या है ये। तो ऑन योर लेफ्ट साइड इज योर व्हीकल्स इन्वेंट्री, द राइट इज द रिसोर्सेज, या सेलेक्ट द क्वेस्ट आइटम एंड ऐड टू व्हीकल्स इन्वेंट्री क्लोज द मेन्यू। ओके ए स्टोरेज डिवाइस दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ डाटा, ओके जी। तो आप यहाँ से स्पेयर पार्ट है और ये व्हील्स हैं, ठीक है जी। दिस कंटेनर इज एम्प्टी, तो ये अपना है सारा इन्वेंट्री में है। मूव टू ट्रांसफर, ये इन्वेंट्री में आ गया जी। यहाँ पे तेल मैं ले लेता हूँ, ओके ये एम टी, तो इसमें यही था बस, ओके। तो अब दोबारा फिर ऑटो मोड में जाना है, तो आप यहाँ पे जाके ये देखो यहाँ पे ऑटो चला जाएगा। और L2 से रिवर्स होगा, रिवर्स मेरे को लगता है शायद इससे भी हो सकता है जी, L2। तो ये रिवर्स के लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो अब सीधा कर दूंगा इसको, भाई लॉजिटेक G29 पे हम चला रहे हैं इसको भाई। लेकिन समस्या अब ये है कि इसमें मेरे को कस्टम वो सारा कुछ करना पड़ेगा, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को, वो थोड़ा तामझाम है। फंस गया निकल गया भैया। ओ भाई यार आप देख लो ना, मैं समझा रहा हूँ आपको किसमें क्या क्या। ओके एडजस्टिंग द प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द टेरेन, रिड्यूसिंग इट विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ट्रैक्शन बट एट द कॉस्ट ऑफ हायर, ओके लेट्स ट्राई। तो अभी हम इसको खोलेंगे जो मैंने आगे कर लिया, आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पे हमने लो प्रेशर रखा हुआ है, तो इसमें यह तेल ज़्यादा खाएगा डेफिनेटली, ट्रक आपका बहुत ज़्यादा तेल खाएगा। लेकिन इसमें ट्रैक्शन इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका आपको नेक्स्ट लेवल फायदा होने वाला है मेरे दोस्तों। ये देखिए ग्राफिक्स चेक कर रहे हो जरा, साइड से दिखाऊं को आपको एक बार, यहाँ से देखना है आपको, यहाँ से क्लियर दिखेगा, देखना है अब देखना है। वो देखो भाई 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 वो देखो ग्राफिक्स चेक करो जरा यार, मतलब रांझा राजी कर दिया होगा जी। बिल्कुल जी अर्ली एक्सेस है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। परसों आ रही है गेम, तो अभी 5 को आ रही है, तो अर्ली एक्सेस है भाई अपने पास। एक्सपीडिशंस विल टेक यू अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, फॉर दिस वी रिकमेंड यू टेकिंग फ्यूल कैनिस्टर्स विद यू। तो लो जी फ्यूल कैनिस्टर लेंगे जी, यहाँ से आप एक्स दबाएंगे तो ये वो देखिए तेल भर गया हुआ। तो एक बार फिर से आप यहाँ से चलेंगे मेरे दोस्तों,
तेल का कनिस्तर आपके पास आ चुका हुआ है। टायर चिक्कड़ में आपका डिफ्लेट है जिसकी वजह से आपको ग्रिप बहुत ज़्यादा मिल रही। अभी तक के लिए ग्लिच कोई नहीं है टचवुड, बाकी पता नहीं है, हो जाए तो पता कुछ नहीं। तो इफ़ योर व्हीकल इज़ डैमेज यूज स्पेयर पार्ट्स टू रिपेयर दैट, ओके लेट्स ट्राई। तो फिर से आप डैमेज के लिए आप एक्स दबाएंगे। सस्पेंशन डैमेज है, ये देखिए आपने सेट कर लिया इसको। गैस टैंक को भी आप रिपेयर कर सकते हैं, ये देखिए ये ठीक हो गया है। सस्पेंशन आपकी ख़राब थी, आपने ठीक कर दी है। इंजन आपका ख़राब था, आपने ठीक कर दिया। गियर बॉक्स आपका ख़राब था, आपने ठीक कर दिया। टायर्स टायर्स आपके ख़राब थे, आपने ठीक कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे चलो जी, तो ये टायर की हवा मैंने मीडियम कर ली हुई है दोबारा। और जिन लोगों को पता है कि टायर कैसे काम करते हैं आपके, तो अगर आपके गाड़ी में ये फंक्शन हो कि टायर इन्फ्लेट डिफ्लेट आप कर सकते हैं, तो आपको मतलब आप किस लेवल पे पहुंच जाते हो आप और आपकी कार क्या कर सकती है बेसिकली। तो ये मेन ऑफिस आ गया जी हमारा, यहाँ पर डिलीवर सप्लाईज करनी है आपने। ये आप डिलीवर कर देंगे तो ये मिशन हो गया, ये एक्सपीडिशन अपनी कंप्लीट होगी, जिसका आपको स्पॉन्सर पेमेंट 3000 रुपये मिले। गेट रिवार्ड्स में जाएंगे आप। तो टाइम ऑफ सेशन आपको मिला है, डिस्टेंस मिला है, तेल मिला है, डैमेज टेकन आपने 0 पॉइंट लिया, बहुत अच्छी बात है, डैमेज हमने नहीं लिया। तो इसका 2 हेडक्वार्टर्स, तो चलो ये शुरू हो गया जी हमारा माहौल चाल। गलबात होगी बहुत अच्छी। सेलेक्ट अ ड्रॉप ऑफ रीजन, लिटिल कोलोराडो इज द परफेक्ट प्लेस टू ओन योर स्किल्स। ओके, तो पहला हम शुरू कर रहे हैं भाई साहब लिटिल कोलोराडो में, ठीक है जी। बाकी दोनों लॉक्ड हैं अभी, आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों लॉक्ड हैं ये, तो आपका एक ही अनलॉक है अभी। एक्सपीडिशंस आर द मेन मिशंस, प्रोग्रेस थ्रू द गेम एंड अर्न वेरियस अवार्ड्स बाय कंप्लीटिंग देम। ओके, क्लोज कर देंगे आप इनको, मेन बेस है यहाँ पे, और पहली एक्सपीडिशंस आपकी अनलॉक हो चुकी है यहाँ पे भाई साहब। 1500 रुपया प्री पेमेंट है, 2000 रुपया पेमेंट है, रिवॉर्ड्स आपके आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है जी। स्पेशलिस्ट आपको लॉजिस्टिशियंस मिल जाएंगे, डॉन 71 ट्रक मिलेगा आपको, शानदार भाई साहब। तो ये आप कर सकते हैं, फ्री रोम भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आप मतलब ये मेरे को लगता है शायद लॉक्ड रहेगा अभी, तो आप फर्स्ट एक्सपीडिशन आप करें एक बार, उसके बाद ये खुल जाएगा। तो ओके, सो यहाँ पे ट्रक्स आने वाले हैं। फाइनली अपने पास ट्रक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से ट्रक्स हैं, एक बार चेक कर लीजिए मेरे दोस्तों। और टेक एटलीस्ट 1 ट्रक, यूनिक अबिलिटीज होनी चाहिए वो टीम्स के लिए। अब रिक्वायरमेंट क्या है आप ये देख लीजिए, सारा एक्सपीडिशन सेटअप रहेगा। तो इसमें योर फर्स्ट असाइनमेंट, यू हैव टू गो टू द माउंटेन्स एंड इंस्टॉल अ रेडियो मॉड्यूल दैट विल इंप्रूव द सिग्नल क्वालिटी एट द बेस, बट बी केयरफुल द रोड इज नॉट ईजी। ओके, तो इसमें डिफिकल्टी ईजी है, डिस्टेंस आपका 100 मीटर का रहने वाला मेरे को लगता है शायद, और ट्रक आपका ऑफ रोड है, आपको लेके जाना है। टेरेन हाइट डिफरेंसेज हैं, टेरेन वाटरी टेरेन है आपका, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स आपको जैक स्क्रू चाहिए और एक साइड बोर्ड चाहिए जिसमें आप सामान लेके जाओगे। तो आपको एक ट्रक चूज करना है, ट्रक्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, 4 ट्रक्स आप यूज कर सकते हैं एक मिशन के लिए। तो सिलेक्ट करते हैं हम एक बार। ओके, तो इसमें ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या क्या। तो आपको इस समय उन्होंने बोला कि ऑफ रोड ट्रक चाहिए आपको, तो ये देखिए ये स्काउट है आपका, ये ऑफ रोड ट्रक नहीं है, आपको ऑफ रोड ट्रक चाहिए इसके लिए। ये है आपका ऑफ रोड ट्रक, 216 एक्टन, और ये आपका मान के चलो आपका ये चालू रहेगा कुछ आपका। देर आर नो सूटेबल फॉर दिस, ओके वो तो ठीक है, रिसोर्सेज हैं इसका। ये देखिए A-B A- में रहेगा आपका, और उसके बाद ये भी आपका ऑफ रोड रहने वाला है। इसमें कार्गो के 4 स्लॉट्स हैं और इसमें इन्वेंट्री ज़्यादा है, ये देखिए 6 इसमें हैं, तो इसमें 7 हैं। डिवाइसेस आपके वो देख सकते हैं उस पर, देर आर नो सूटेबल डिवाइसेस फॉर ट्रक, इस ट्रक में लगेगा कुछ नहीं आपके। ये कार्गो है, ये SE है, 31 out of 54, ठीक है जी। ये भी ऑफ रोड है, इसमें पावर ए है, इसमें पावर ए है, फ्यूल कंजप्शन ये बी आ गया आपका। तो मेरे को सबसे सही यहाँ तो ये लग रहा है अभी तक के लिए, क्योंकि इसमें A- पावर है इसमें, जिसका मतलब है कि हम लेंगे
और इसमें कार्गो, अच्छा इसमें कार्गो बेड है, इसमें कार्गो बेड ये चला जाएगा, ठीक है जी। तो आ जाओ चेक करते हैं एक बार, माहौल चार बनाते हैं। सो आई थिंक वी विल गो फॉर दिस, ये टू से ले जा सकता हूँ मैं, और आपको एक बार चेक करवाता हूँ कि कुछ ऐसे का रहने वाला है ये, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे रहने वाला है बॉडी इसकी, ये मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे को ना अपने अपने को बेसिकली इसमें चाहिए हाइट ज़्यादा चाहिए रहना है अपने को, तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और अपग्रेड 31 आउट ऑफ 54 हैं, इसके 41 आउट ऑफ 58 है। तो टैंक 240 लीटर का इसका, इसका 160 लीटर का, डिफ लॉक दोनों में है, ऑल व्हील ड्राइव है दोनों में। तो मैं यही SE के साथ जाना चाहूँगा यहाँ पे, और इसके साथ भी आप जा सकते हैं, इसके पीछे आपको ये मिल ही जाता है, आप ये देखिए इसके ऊपर लगा हुआ ही मिल जाएगा आपको, तो आप ये ले सकते हैं एक बार, मैं चेक कर सकता हूँ इसको। इन्वेंट्री है यहाँ पे, ये देखिए, और कार्गो है। तो कार को आपको क्या क्या मिलता है मैं वो बताता हूँ, शॉर्ट ये मिल जाएगा आपको फ्री में है, और शॉर्ट फ्लैट बेड फ्री में है। तो आप या तो फ्लैट बेड ले सकते हैं या साइड बोर्ड ले सकते हैं। तो साइड बोर्ड में आपका ये रहेगा कि आपका सामान इधर उधर नहीं गिरेगा, मतलब जो साइड में सामान है आपका वो इधर उधर नहीं गिरेगा। तो अगर आप फ्लैट बेड लेते हैं तो इसमें आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो ये आप ये ले सकते हैं। कार्गो 4 है और ये स्मॉलर ट्रक्स के लिए, तो आप ये लीजिए, द मैकेनिक की ये होगी, ये हमने यूज़ कर लिया हो, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे मेन गेम आती है कि आप इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अपग्रेड्स में ये लॉक्ड हैं अभी, तो ये रीजन मतलब अपग्रेड्स फाइंड करेंगे तो आप ये वाले सारे होंगे, ठीक है जी। सस्पेंशन किट जो है ये स्टॉक है, लिफ्ट किट है, टायर साइज़ आप इसमें चेंज कर सकते हैं, मेरे को लगता है शायद टायर साइज़ आप चेंज कर सकते होंगे डेफिनेटली इसमें। एडवांस टायर सेट है, डिजाइन टू बैलेंस ओवल पर मॉडल ट्रेल ट्रेन, ठीक है। रोड एवरेज ऑफ रोड मड, ये देखिए ऑफ रोड गुड है ये वाला टायर, अच्छा है इसका, 3,000 रुपये का। तो और कुछ है इसमें, ये लॉकड है ऑलरेडी, ऑफ रोड का कुछ और ये भी अच्छा है। ओ भाई सिरा बाबा जी, सिरा 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 बाबा जी, सिरा सिरा नेक्स्ट लेवल बाबा जी, नेक्स्ट लेवल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। और ऑफ रोडिंग में आपको ये मिल जाता है, ये देखिए ये आप ले सकते हैं, ऑफ रोड एक्सीलेंट, मड एवरेज, रॉक गुड है। लेकिन अगर आप ये लेते हैं तो ये आपका एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये भी बहुत अच्छा है, और ये भी बहुत अच्छा टायर है, लेकिन ये लॉक्ड मिलेगा भी आपको। विंच इसमें आ जाती है, स्टॉक विंच है, विंच दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी है। ये स्टॉक रहेगी, मीडियम ट्रक विंच सेंटर, ओके ये एक्सटेंडेड होगी, इम्प्रेसिव नहीं होगी इतनी, और एडवांस्ड विंच होगी, डबल मोटर है और ऑटोनोमस है। इसमें आपका ये होगा कि गिर जाएगी तो भी आप इसको उठा सकते हो, और ये हाई पावर विंच है, तो ये कहीं पे भी अगर आप डालेंगे तो ये निकाल देगी इसको ट्रक को, ठीक है जी। और डिफ लॉक इंगेजेबल है, स्नॉर्कल आप इसका लगा सकते हैं, लो माउंटेड आपका ये लग जाएगा, पानी अगर ज़्यादा है तो हाई माउंटेड आपका ये लग जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे को लगता है अभी तक के लिए लो माउंटेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पैसे अपने पास कम है तो इसलिए खर्चूंगा नहीं इसके ऊपर। मिसलेनियस में आपके पास क्या क्या आता है, बोल्ट ऑन फेंडर्स आ गए, तो ये क्रैश के लिए आपके प्रोटेक्शन होगा, ये रोल केज है, तो स्टील फ्रेम पूरा का पूरा लग जाएगा, आप ये चेक कर सकते हो ऊपर, ये देखिए ये पूरा का पूरा स्टील का ही लग गया, लाइट्स आगे लग गए इसके भाई साहब, और क्रैश प्रोटेक्शन आपको बहुत सही मिलती है। बाबा चेक करता मैं, आज देख लो, वी आर चेकिंग इट ब्रो, 10 आउट ऑफ 10 आप दिन एक हले चेक कर रहे हैं, मैं चीज़ें चेक कर रहे हैं हले, फॉर द टाइम बींग 6-10 तो होना ही, जिन्हें की खेडी आप उस हिसाब ना, और खेडी हले कितनी शुरू नहीं की थी आप। तो जिस हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन अभी तक के लिए चल रही है, जितनी मेरे को वेट थी इस गेम के लिए, जहाँ जो जो मैंने सोचा था इस गेम के लिए, उस हिसाब से 6 आउट ऑफ 10 आते सारी अर्ली एक्सेस में, और ये बहुत कम गेम्स के साथ होता है। तो फाइनली मतलब हैड्स ऑफ टू मड रनर वाले लॉन्डो ने कमाल कर दिए। तो रियर में आप दे सकते हैं ये, अब मतलब ये रहेगा पीछे केज लग जाएगा छोटा सा, वो भी हो जाएगा। रूफ के लिए आपका ये रूफ रैक लग जाएगा ऊपर, इसमें सामान रख सकते हैं आप, तो एक्स्ट्रा स्पेस बन जाती है आपकी, 3,500 रुपये का है, तो ये आप रख सकते हैं। मेरे को लगता है इसमें आप भाई बहुत ज़्यादा से रहा, मैं दिखाना था उन्होंने चेक करो, रूफ रैक मैं लगवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि तेल का अगर रहेगा तो रूफ रैक। स्टॉक बम्पर है, बम्पर्स आप चेंज सकते, ये देखिए बुल है, ये वाले बम्पर्स हैं, स्टॉक ये है इसमें, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, और ये बड़ा कमाल का होने वाला है सिस्टम। फ्रंट बम्पर्स आपने चेक कर ही लिए हैं, तो ये बुल बार है जिसकी उतनी ज़्यादा मतलब जितना आप इसके ऊपर कस्टमाइज कराएंगे, जैसे आप मान लीजिए रीइनफोर्स्ड बम्पर लगाएंगे, उतना आपको जो है
उसके प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगी आपको। और ये रिम्स हैं इसके, रिम आप चेंज कर सकते हैं इसके। ये देखिए, एक ये था, मैंने देखा था अभी, ये देखना अभी, ये वाला सूलो सूले वाला कुछ तो था। ये देखिए कितना सही लग रहा है। और फ्रेम मॉड्यूल्स में आपने चेक कर ही लिया कि ये फ्रेम मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद कलर्स आते हैं आपके, ये देखो ये वाले कलर्स हैं, ये सारे कलर्स आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो मेरे को फाइनल ये वाला ही अच्छा लग रहा है कलर अभी तक के लिए। और स्टिकर्स आपके एक्सटीरियर आ गए ये, ओ भाई स्टिकरों वाली तो कमाल ही कर दी लॉन्डो ने, ओ भाई कितने फॉरेस्ट कॉन्करर जबरदस्त। तो यार ओ यार भाई खत्म गलबात। तो इंजन्स हैं ये सारा तामझाम है भाई, इसमें बड़ी गलबात है। तो मैं एक चीज़ तो इसमें ज़रूर करने वाला हूँ अभी के अभी, तो मैं इसमें कार्गो में आप ये सब लेके जा सकते हैं, इन्वेंट्री में आप लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक मिनट ठहर जाओ, मैं इसमें जाके इसको, अरे यार ये मूवमेंट कहाँ से थी इसकी, अपग्रेड करना है मेरे को इसको, अपग्रेड कहाँ से करना है। भाई अपग्रेड कहाँ से, ओ यार इसको अपग्रेड करना से कार्गो से करना ना शायद, नहीं कार्गो में तो नहीं जाएगा। ओ चाचा इसको अपग्रेड कहाँ से करूँ मैं अब, वो तो ठीक हो गया, ड्राइविंग तो ठीक है, ये आइटम्स होगी ठीक है। ओ यार मैंने कहाँ से सेट किया था इसको, मूव, हाँ तो ये वाला अपना, नहीं कौन सा लिया हमने, ये वाला था ना मेरा, ये वाला लिया था मैंने शायद, मेरे को लग रहा है यस, हाँ यही वाला अपना ना ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें यार अपग्रेड कहाँ से करवाना है मैंने, ओ आ गया ओके ओके ओके। तो बोल्ट ऑन फेंडर्स का तो मेरे को है नहीं मसला, लेकिन मैं रूफ रैक इसका लगवाना चाहता हूँ, तो एक रूफ रैक मेरे को है कि लग जाए ऊपर, ताकि वो स्लॉट्स ऊपर बन जाएंगे तो ऊपर हम रख सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी भाई आप इसको बेच भी सकते हैं, वो देखो मतलब जो भी रहेगा आप उसके उसमें बेच सकते हैं आप उसको, ठीक है जी। इन्वेंट्री में मैं क्या क्या चाहिए, अब उन्होंने बोला है एक आपको लेके जाना है जैक्स क्रू चाहिए आपको, एक एक ये हो गया इन्वेंट्री में, और इसके अलावा यही बोला था उन्होंने लेके जाना ना, और तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। एडिशनल स्टॉक ऑफ फ्यूल 50 लीटर की कहनी आएगी, स्पेयर पार्ट आएगा, स्पेयर व्हील्स आएंगे, पोर्टेबल ये रेडियो स्टेशन, हाइड्रो मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया। ओके ये तो नहीं मेरे को चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक तेल की कनिस्टर ले जाएंगे उठा के साइड बोर्ड्स में, दो ले जाऊँगा मैं, बिल्कुल ठीक है। और ये स्पेयर पार्ट्स हैं, एक स्पेयर पार्ट्स रख लेते हैं, स्पेयर व्हील रख लेते हैं। इन्वेंट्री में मैं एंकर ले जाता हूँ, तो चलो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, रिसोर्सेज हो गए अपने, तेल हो गया अपने पास, तो चलो जी। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, फ्रेम हो गया अपने, बाकी सारा सौदा हो गया हुआ, मेरे को लगता नहीं कुछ रह गया यहाँ पे, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो अब हम डिप्लॉय कर रहे हैं इसको, ये हो गई डिप्लॉयमेंट हमारी स्टार्ट, और यहाँ से आप स्टार्ट एक्सपीडिशन करोगे, ये लो जी स्टार्ट एक्सपीडिशंस। तो लो जी तो ये हमने शुरू कर दिया, ये आप ट्रेड कर सकते हैं जैसे उन्होंने बोला है गेट टू द क्रॉस रोड्स, ठीक है जी। तो अब हम एक बार, मैं टायर में हवा मेरी फुल है, तो यहाँ से आप एक्सेस की वो उतार सकते हैं भाई साहब, ये देखो अभी ये मेरे को लगता है शायद होगा न्यूट्रल में होगा ना, शायद न्यूट्रल, न्यूट्रल है ऑटो में, ऑटो पे ही, ऑटो पे। ओ हाँ जी सत श्री अकाल जी, की हाल है। तो तेल की अब अपने को टेंशन नहीं है, तेल अपने पास है ऑलरेडी, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको मैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ध्यान रखा हो इस चीज़ का। ये देखिए यहाँ से मैं कंप्लीट करके यहाँ से निकल रहा हूँ, ये देखिए इन एक्सपीडिशन यू विल नीड टू यूज़ अ ट्रेन, यूज़ अ मिनी मैप फॉर दिस। तो आप इसके लिए मिनी मैप यूज़ कर सकते हैं, मिनी मैप आपका यहाँ से खुल जाएगा, ये आपका मिनी मैप है। तो ये अपने आप एट डेस्टिनेशन पॉइंट आप वो सारा सेम ही रहेगा उसमें, और स्किप टाइम भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलो बाकी है स्वाद है यार इसमें बहुत ज़्यादा। तो ऑल व्हील ड्राइव आपको सिर्फ तब ऑन करना है जब आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, अदरवाइज आपको उसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस समय भाई ट्रक लेके जा रहे हैं हम, मैं हॉर्न बजा के दिखाता हूँ आपको एक बार, हॉर्न मेरे को लगता है शायद मैंने, ये लाइट्स हैं यार, हॉर्न पता नहीं कहाँ से था, यहाँ कहीं से था हॉर्न, ये ब्रेक आ गई, हॉर्न कहीं कहाँ से हुआ, ये
फॉरन कहीं से तो था, पता नहीं भाई कहाँ से था, से था मेरे को समझ लग रही हॉर्न कहाँ से था। चलो कोई बात, तो निकलते हैं एक बार भाई सब, हॉर्न का देखना पड़ेगा मेरे को, पता शायद कहाँ, पता नहीं कहाँ से था, किसी को किसी बटन से था। ओ भाई साहब, तो ये हम आ गए हैं वो पानी में। लो जी यहाँ पे मेन गेम शुरू होती है, जो नई चीज़ उन्होंने एक और दिया, इको साउंडर दिया, यूज द इको साउंडर टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी यू आर अबाउट टू क्रॉस। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप पानी में डूबेंगे कभी नहीं, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि पानी में कहाँ कहाँ पे कितनी डेप्थ है। तो आप डिवाइसेस में जाएंगे, उसके बाद आप इको साउंडर यूज़ करेंगे, ये देखिए। तो जहाँ जहाँ पे ग्रीन है वहाँ वहाँ से आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे ग्रीन है वहाँ से आप निकल सकते हैं। तो मैं इसको एक बार डालूँगा, मैं लो पे करूँगा इसको, ये हमने किया इसको लो के ऊपर, और इसका डिफ लॉक हमने ऑन किया। तो अभी मैंने डिफ लॉक और वो दोनों चीज़ें ऑन कर ली हैं, और इसका टायर साइज टायर इन्फ्लेट कर दूँगा मैं, या रिड्यूस कर दूँगा, या तो फिर मैं, तो ये रिड्यूस में भी ठीक ही चलेगा मेरे को लग रहा है। तो मैं ज़्यादा कम निकली, ये देखो भाई, ओ भाई साहब कतई जहर गलबात। तो ये देखिए, ये निकलने का यत्न और प्रयास, पानी थोड़ा ज़्यादा गहरा यहाँ पे, लेकिन कोशिश हो रही है, जद्दोजहद जारी है कि यहाँ से निकला जाए पानी से। देखो जी, अगर आपको ड्राइविंग का शौक है, स्पेशली आप एक्सपीडिशन करते हैं, ऑफ रोडिंग का शौक है आपको, तो मेरे को लगता है कि, और यहाँ से तो मैं सारा कांट भी ट्रांसफर भी हो रहा है, दिस कंटेनर से एम्प्टी, ओके। तो साइड बोर्ड ये ट्रांसफ़र करना है ना मेरे को, कार्ड भी ट्रांसफर भाई, शिफ्टर चलता है लेकिन अपन वो करना पड़ा सुने था। पिकअप द आइटम रेडियो स्टेशन, लेकिन वो उठाएगा कहाँ से अब भाई। अगर PS4 या PS5 पे वैसे 3000 की अर्ली एक्सेस 6000 का था, सॉरी 5000 का था। तो शिफ्टर स्टाजी चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको ये देखो ना, ये ऐसे नहीं चल रहा, तो आपको इसको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, शिफ्टर को ऐसे नहीं चल रहा, मतलब चलेगा लेकिन आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सारा कुछ ही फिर कस्टम सेट करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा आपको। तो यहाँ से आपको इन्वेंट्री में जाना है, ये यार ये मेरे को उठाना ना रिसोर्स से, ये देखो ये कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओ अच्छा, साइड बोर्ड में जगह ही नहीं है मेरे पास, मेरे को लगता है शायद। ओ भाई अब जाएगा, मेरे पास जगह नहीं थी यार। चलो ओ मैं भी कर ले भाई साहब, लव जी रिव्यू चेक कर करके डाउनलोड हो रहे हैं, वाह 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 ताजी। चलो यहाँ से निकलते एक बार, बहुत सही। तो यहाँ से मुड़ जाए, बाकी यार स्टेयरिंग व्हील पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, मतलब द वे यू प्ले जैसे आप लोग गेम। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से यहाँ पे लगाना है एक्सप्लोर नियर बाय ड्रोन्स, तो इसमें ड्रोन्स भी हैं, तो मेरा काम भी है इसमें मेरे को, और ये बड़ी अच्छी बात लगी। तो कैन नॉट बी, अच्छा ये इन्वेंट्री आ गई, डिवाइस तक, डिवाइस को चेंज कैसे करते हैं यहाँ पे, कैन नॉट बी यूज नाउ, डिवाइस चेंज कैसे होनी यार। अच्छा यहाँ से वो आर वाला वो है ना, तो आर वाला मेरे को राइट लेफ्ट इससे सेट करना पड़ेगा। तो यार इस पर थोड़ी सी मेहनत मेरे को ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि अपने को कस्टम बटन सारे सेट करने पड़ेंगे, जो हम जैसे करते हैं आपको पता ही है, तो कस्टम बटन मेरे को सारे सेट करने पड़ेंगे, नहीं तो रिमोट वाला मसला रहेगा। तो कस्टम बटन्स का थोड़ा सा ज़्यादा तामझाम है, वो मैं सेट कर लूँगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जाना अपने को, विजिट द टॉप ऑफ द माउंटेन विद द ड्रोन। तो ये ड्रोन मूव कर रहा है, ये देखो जैसे मूव करता ही होता ड्रोन, तो ये मूवमेंट रहेगी ड्रोन की, ये देखो ये ड्रोन नीचे आ रहा है, ये ड्रोन ऊपर जा रहा है। तो हमारा ट्रक है यहाँ पे, और हमें आना है यहाँ पे, तो मैं आगे जाने का प्रयास करूँगा। ये देखो टॉप ऑफ द, ये पहाड़ी का टॉप है, ये देखिए यहाँ पे आ गए, स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से बैक आएंगे। ओके, तो अब मेरे को ड्रोन उड़ा के, ड्रोन का इसमें ये फायदा है कि ड्रोन उड़ा के आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस रास्ते से जाएंगे। तो बेसिकली अपने को इधर जाना है, तो इसका मतलब कि मैं, ट्रक है अपना यहाँ पे,
तो मैं सीधा सीधा यहाँ से जा सकता हूँ, ये देखो मतलब सीधा सीधा जाना अपने को, बेसिकली इसी रूट पे जाना सीधा सीधा। चलो चलते हैं। तो एक्स से आप ये हटाएंगे, बाकी गियर मैंने इसके सेट कर लेने हैं, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के चक्कर में थोड़ा आया, मैं कहा चलो व्यू जल्दी जल्दी ले लूँ थोड़े से जितने के मिल रहे हैं। गियर गुर मैंने इसके हैं सेट कर लेने, सारा कुछ सेट कर लेना इसका मैंने। गियर शिफ्टर इसका चलता है लेकिन वो आपको सारे बटन कस्टम करने पड़ेंगे ये वाले, तो मैं कस्टम भी कर ही लूँगा आज। बाकी आज सारा दिन यही खेल ली, रात 12 बजे तक यही इको गेम चलनी आज। टायर्स में से हवा हमने कम की हुई है ताकि अपने को ट्रैक्शन ज़्यादा मिले। फ्यूल आप देख सकते हो 6.7 लीटर, 7.2 लीटर, 5.2 लीटर प्रति मिनट ये खा रहा है, जो इसका लेफ्ट साइड पे आपका दिया ही हुआ है, आपको देख ही रहे हैं कि तेल कितना रह गया पीछे, वो भी बता रहा था। ओके सो यहाँ पे यूज़ आएगा जी विंच का, यूज़ द विंच टू गेट योर व्हीकल आउट ऑफ ट्रबल, अटैच इट्स टू नेचुरल एलिमेंट्स, पुल योर ओन एंकर्स टू पुल इट। ओके तो इसमें आपको एंकर्स मिल जाते हैं अलग से, तो अगर आपने विंच कहीं पर लगानी है, आपके पास जगह नहीं है या ट्रीज नहीं है, तो आप अपना जो आपको विंच इन्होंने दिया हुआ है एंकर पॉइंट सब, वो अपने आप मैनुअली लगा सकते हो। ठीक है जी, तो चलो तो यहाँ से कोशिश होगी मेरी निकलने की। ओए 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 दिखी 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 भाई 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 भाई, यहाँ से कोशिश होगी। ये देखो ये अपनी तरफ खींच रहा है उसको, ट्री टूट भी सकता है। फीफा भाई 10 में से 6 दे रहा हूँ अभी, और आधे घंटे में मेरे को लग रहा है कि 10 में से 7 दे दूंगा भाई। राइट नाउ आई एम गिविंग 10 में से 6, लेकिन 10 में से 7 दे दूंगा, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। मेरे को लगता है कि 10 में से 8 भी ये गेम ले जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत मेरे को ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या है। ओके भाई आप मान के चलो 10 में से 6 किसी गेम के लिए बहुत बड़ी बात होती है पहले आधे घंटे में। मतलब मेरे को लगता है जितनी देर मैं खेलूंगा आज, आज के उसमें मान के चलो आप 10 में से 8.5-9 ये ले जाएगी भाजी, और मेरी तरफ से 10 में से 9 लेके जाना मेरे को लगता है बड़ी बात ही होगी भाजी। वो मैं इस पे इसको लो पे डाल के, ये देखिए डिफ लॉक मैंने फिर से ऑन कर दिया है, डिफरेंशियल लॉक का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है आपको। दिक्कत मेरे को सिर्फ ये लग रही है। अच्छा तो चलो अभी तक तो हमने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर ही ली है बेसिकली, तो इसके बाद मैं एक बारी एंटर डिलीवरी मोड जाना है अपने को। ओके डिलीवरी मोड कहाँ से जाएगा जी, इन्वेंटरी में जाएगा, कहाँ से आएगा? अच्छा ये ओके भाई, स्नो रनर को मिलेंगे क्योंकि अब तो वो बहुत खेल ली है, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है मतलब 10 में से 8 तो डिज़र्व करती है भाई वो, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा करेगी मेरे को लग रहा है, मेरे को लगता है कि ये 9-9.5 तक चली जाएगी शायद, बाकी देखते हैं एक बार खेल के। डिलीवरी मोड का चक्कर पड़ गया भाई कुछ, तो ये बग आ गया वो मेरे को लगता है, पता नहीं क्यों। डिलीवरी मोड कहाँ से आएगा? लो जी यहाँ पे फंस चुकी है गेम, यहाँ पे हुआ कुछ तो, नजर लग गई है, नजर लग गई है, ये हुआ कुछ तो, हुआ भाई कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, पहला बग आया मेरे दोस्तों, पहला बग आपको मिला यहां पे, आपको मिला पहला बग, क्या मिला आपको? पहला बग। ओके डिलीवर आइटम, थोड़ा सा आप ट्रक को आगे करेंगे, पहला बग मिला आपको यहां पे, डिलीवर करेंगे आप रेडियो स्टेशन, डिलीवर हुआ यहां पे। हम थोड़े से नाखुश पहले बग से, लेकिन ठीक है इतना चलता है भाई, अभी पहले दिन उनका तो आ जाओ। सिर्फ एक चीज़ है जो मतलब अगर मेरे से पूछा जाए
बाकी कंट्रोल्स आप यही रहने दें, सिर्फ इसी में गियर आप शिफ्ट करने की ऑप्शन दे दें, जैसे आपने स्नो रनर पे दी थी। सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज कि आपको कस्टम कर लें, तो उसके बाद आप सारा ही सेट एम्प्टी है तो उसको आप अपने हिसाब से करें, तो वो मेरे को लगता है उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें एडजस्ट करने में, बाकी तो ठीक ही है। ओके, एक्सप्लोर द एरिया, क्लाइम द माउंटेन, इंस्टॉल द रेडियो स्टेशन, डिलीवर आइटम होगी, लुक अराउंड यूजिंग बाइनोकुलर्स हो गया अपना, और एक्सप्लोर द एरिया हो गया, ठीक है। तो अभी हम स्काउट करेंगे उस एरिया को, तो चलो यहाँ से डिवाइसेस से आप बाइनोकुलर्स खोलेंगे, ये रहे बाइनोकुलर्स, इसको यूज करेंगे आप, तो ये बाइनोकुलर से जाएंगे, न्यू एयर ड्रॉप मिला आपका, आप इसमें जूम आउट कर सकते हैं, ये देखिए ये रहा एयर ड्रॉप, ठीक है। तो लुक अराउंड विद द ड्रोन, ओके, तो अभी आप ड्रोन से भी, ये माउंटेन है जहाँ पे अपने को जाना, ठीक है। तो ये बाइनोकुलर्स हैं, इसमें अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो आपको वो भी आप देख सकते हैं। ये फील्ड ऑपरेशन, ये बेस है अपना, तो ऐसा बेस आप इसमें बना सकते हैं जहाँ पे भी आपको वो करना है, आपके पैसे लगेंगे थोड़े से ज़्यादा, लेकिन आप बेस एक बना सकते हैं, तो ये अच्छी बात है, मतलब आपको हर बारी वहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं आपको। तो चलो एक बार निकलते हैं यहाँ से, स्टार्ट करता हूँ एक बार, टाइम भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात है, जैसा स्नो रन में था कि आप इसको टाइम को चेंज कर सकते थे, उसी सेम ही वैसा रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, तो ड्रोन आप यहाँ से लेंगे, ये देखिए अब जैसे शाम पड़ने वाली हो चुकी है ऑलरेडी, तो अच्छा ये जाना है अपने को नीचे। ओके, तो अब नीचे जाने के लिए मेरे को, मैं हूँ यहाँ पे, ओके, तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि ये यहाँ से नीचे आएगा, ओ भाई कतई जहर का पता है, ये यहाँ से नीचे लाना पड़ेगा इसको मेरे को, यहाँ तो यहाँ से नीचे लाऊं, एक मिनट यार इसका ना वो चेंज करना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट है, L3 से यार यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ पे आ रहा है, क्या हो रहा है, दिन हो रही, रात हो रही है, कहाँ पे लिखा रहा है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये ग्राफिक्स देखने के लिए सही है, लेकिन ऊपर लिखना भी आना चाहिए, वो पता नहीं कहाँ पे लिखा है नहीं लिखा, वो भी चेक करना अपने को भी। तो अब अपने को जाना है उस्ताद जी नीचे, अब नीचे कहाँ से जाया जाएगा, वहाँ पे जाना है, तो अभी चेक करते हैं एक बार कहाँ से जाया जाएगा, उस हिसाब से निकलते हैं एक बार। और ये अंदर वाला व्यू इसका आप देख सकते हैं एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अंदर वाला व्यू कैसा है इसका, तो ये देखो ये अंदर वाला व्यू इसका, ये लाइट्स के लिए यूज हुआ स्विच, R2 से पता नहीं इन्होंने क्या किया है, पता नहीं कहाँ ये क्लच दबा के तो ये हो गया, कहीं से हॉर्न का कुछ किया नहीं, पता नहीं इन्होंने क्या किया है, तेल तो मैंने भर लिया, चलो हॉर्न का कुछ तो किया रहा है इन्होंने, लेकिन वो मेरे को समझ नहीं आ रही कहाँ से किया, पर चलो कोई बात नहीं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से एक बार, इसको सेंटर आप ऐसे करें और उसके बाद यहाँ से निकलें। राम कुमार भाई कैसे हैं आप, तो न्यूट्रल में है, ऑटो में डालूँ कि लो में डालूँ, लो में डालूँगा मैं और दोनों चीज़ें ऑन करूँगा, तेल मैंने भर लिया, तो ऑल व्हील ड्राइव ऑन कर दी हुई है, यहाँ से उतरना पड़ेगा मेरे दोस्तों अपने को, मेरे को लगता पता नहीं क्यों, भाई 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 यहाँ से ही गिरूँगा, भाई 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 सीधी हो जा, ओ भाई शुक्र है। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं भाई, कैक्टस का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको भाई, टायर से हवा निकालनी पड़ेगी मेरे को, ताकि ग्रिप बन जाए का, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक मिनट ठहरिए जरा,
जनाब 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 भाई साहब, कतई जहर लेवल की गल बात, कतई जहर। यहां से उतरा जाएगा नीचे। अब ऐसा व्यू रख सकता हूं मैं ताकि मेरे को दोनों दिखते रहे भैया। हवा कम करनी थी ना मेरे को शायद। बिल्कुल सही। प्यार प्यार से। ओ भाई साहब, नुकसान नुकसान नुकसान, पहला बड़ा नुकसान, गाड़ी ठुकी। ओए ओए रुक रुक, गाड़ी ठुकी। रेक्स भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो? गाड़ी ठुकी जबरदस्त। न्यू फोर्ड करके कुछ तो मिला भाई हमें। भाई पानी निकल रहा फर 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 करके। तोड़ दी जी, तोड़ दी भाई, ज्यादा तोड़ दी, ज्यादा तोड़ दी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बच गए हम, बाल बाल बच गए मेरे। वो ट्रेड करते हैं जी हम। तो एक और काम कर सकते हैं, तेल तो है इसमें, टूटा क्या है वो देखना पड़ेगा मेरे को, टूटा क्या है। ठीक है, सस्पेंशन ठीक है, इंजन टूटा, इंजन हमने कर लिया सेट, टायर ठीक है अभी तक, इसके 200 ही टायर ठीक है। ओके तो ट्रेड करते हैं, अपने को क्या क्या चाहिए। एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, ये भी ले जाता हूँ मैं, खाली का करनी, तेल भी है। कौन सा गेम है भाई ये? एक्सपीडिशन है मड रनर का, आज ही है। ओके तो तेल ये तो कर लिया हमने पूरा, स्पेयर पार्ट भी मैं ले जाके जा सकता हूँ, 150 तक पूरे कर सकता हूँ, 150 तक का अपने पास रहेगा टारगेट। यहाँ पे भी भर सकता हूँ, ये पूरा रहेगा, बिल्कुल सही भाई, खा लिया हमने तेल, खा लिया भाई। चलो जी तो यहाँ से निकलते हैं अब हम। आया सोने, ओ भाई जुलूस निकला पड़ा उसका भाई, भारा हो गया ना ट्रक, भारा हो गया वो, देखो वो, देखो भाई देखो देखो, देखो। अच्छा यहाँ पे अब आपको डिवाइसेस यूज़ करके सुनार यूज़ करना है आपको भाई। ओके तो गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अपना मेरे को लगता है पीछे है शायद, तो भाई क्लच दबा के रिवर्स पे डालूंगा। भाई फंस गया, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? थोड़ा सा ट्रक बैठ चुका है, डूंगा होने की वजह से पानी। यार स्नो रनर से तो काफी बेटर है गेम, क्योंकि टायर टूर वाला मसला है ना, उसकी वजह से मेरे को लग रहा है। और इसमें अच्छी चीज़ यह है कि आपको ट्रेलर नहीं डालना पड़ता पीछे, हैवी लोड था जितने भी इसका कार्गो स्लॉट ही रहेगा, तो उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा काम किया बेसिकली, तो ये अच्छी बात लग रही मेरे को अभी तक के लिए। बैक करता हूँ यहाँ से, चलो जी। तो यहाँ से मैं सीधा करता हूँ एक बार क्लच दबा के, इसको मैं सिर्फ लो पे रख रहा हूँ ठीक है, क्योंकि अपने को इसको इसके मान के चलिए अब दोनों मेरे को ऑन करने हैं, डिफरेंशियल लॉक भी इसको ऑन किया हुआ हमने, और टायर प्रेशर बिल्कुल लो है। ओ देखिए 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 टायर, यार मोमेंटम ये नहीं है पकड़ेगा मेरे को लगता है, शायद ये पकड़ेगा, निकल गया जुलूस उसका भाई ना। और विंच पॉइंट भी नहीं थी, उसको चक्कर पड़ गया भाई 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 भाई, 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 अरे 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 भाई क्या चक्कर है इसका। चलो भाई अब निकाल के देता हूँ, निकल जाएगा। टायर प्रेशर लो और मोमेंटम का मसला यहाँ पे भारी पड़ा हुआ है,
देखना भाई मैं कट के, और इसका भी ऑल व्हील ड्राइव ऑन भी है, थोड़ा सा बैक लेंगे उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना हमने। आ जाओ हल्का सा बैक आएंगे। ओ भाई साहब टूटा 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 भाई साहब टूटा। करना करना एक मिनट दो। भाई आपसे मेरे को दोबारा समझाएं यार भाई, आप रक्ष भाई आपने क्या लिखा है। भाई आपसे कम एक सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर है फायर भी, उसके लाइव में ज़्यादा लोग आते हैं। और भाई ये मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा होता है भाई, पर इसमें देखिए हम नहीं ना कुछ कर सकते, वो तो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि लोग ही भगवान हैं। एक मिनट ठहर जाओ यार, तो लोग में डाल इसको। भाई यहाँ पे फंस चुका हम बहुत बुरी तरह से, क्योंकि ट्रक के आगे जाने की जगह नहीं है, तो इस यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, डिवाइसेस विंच लगेगी, सिलेक्ट विंच पॉइंट है नहीं यहाँ पे, इन्वेंटरी में जाऊँ फिर, एंकर कहाँ यूज़ करूँ, सेट एंकर। चलो जी श्रीकाल जी, तानू वधिया वधिया की हाल चाल। वाह ठीक है, ऑल गुड जी ऑल गुड। वाह 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 वाह, ये पता दुनिया जानती जी, दुनिया जानती वाह भाई दुनिया जानती। बहुत ज्यादा सिरा यार, मैं तो सदाई हुआ मैं उस्ताद। ओ ज्यादा ज्यादा गलबात है, ज्यादा बाबा भाई ज्यादा गलबात है। हाँ हाँ बहुत कुछ भाई, वो यार ग्राफिक्स का ही सिरा कराया पे बंदे ने, इन्ने ग्राफिक्स थोड़ी यार, ज्यादा सिरा कराती, ज्यादा सिरा कराती भाई, ज्यादा सिरा कराती, इन्नी थोड़ी होंगी होंगी यार, जिन्नी करा गए ना इन्नी नहीं होंगी बेसिकली, पर चलो करा गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है तुसी। ओ निकल गया ओए शिंदिया, बहुत अच्छे बेहतरीन, तो इसको मोमेंटम में डाल के ही निकाला जाएगा, और अभी ये निकल गया है तो यहाँ से निकल जाएगा बिल्कुल। यार हॉर्न नहीं पता लगा भाई, हॉर्न कितने इन्होंने रखा, बाकी ठीक है सारा कुछ, और हॉर्न नहीं लगा मैनू। एक थोड़ी जी प्रॉब्लम मैनू ये है कि कस्टम से थोड़ा जहा किया इन्होंने धक्का, मतलब वो मोड सा वो किया ना, जो तुम कुछ भी चेंज करना तो तुम सारा ही करना पड़ना चेंज, वो थोड़ा गलत है। मतलब मान के चलो कि अगर आपको गियर शिफ्टर सेट करना है तो वो सारा ही फिर आपको कस्टम में जीरो से शुरू करना पड़ेगा, मतलब सारा ही शुरू तो ही सेट, स्टेयरिंग का कंट्रोल सेट, बटन सेट, सारा कुछ सेट, वो बड़ा चक्कर है यार। वो हले कितने किया, मैं तो हले खेडी जाना, मैं माहौल चल जा देख लियो, मैं हले कितने करता सेट। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस यार, बाल लगे हैं भाई यार, दमड़े इकट्ठे करते फिरते हैं, टाइम लगेगा। है सिरा उदा ओ आ गए हो ऑलरेडी, मतलब बस उ करना ही है, बस आ तो गए हो यार।
मतलब उतो आने हैं बस हूँ। नहीं नहीं एडी भी नहीं आई यार, अब यहाँ से निकलूंगा से, यहाँ पे चक्कर पड़ गया भाई, फंस गए हम बहुत ज़्यादा। ये टूट जाएगा यहाँ से, मेरे को मैसेज लिखवा के ले लो, टूट जाना, ये नहीं जाना, इतो नहीं जाना, इतो नहीं जाना। एक काम कर सकते हैं तो यहाँ पे हम इसको उड़ाते हैं, एक बार ड्रोन उड़ाता हूँ फिर चेक करता हूँ कि जहाँ पे जगह हैवी है कि नहीं है। स्नो हले ना मैं पंच नहीं पाई, मतलब माइट भी होगी पर इच नहीं हले पाई। तो यहाँ और ये कहाँ से, ऐसे कहाँ से जाऊँगा? ओ तो हम गलत आ गए, सीधा सीधा पीछे से ही निकल जाना था अपने को उस तरफ। ओके तो मैं बैक जाके वहां से सीधा निकल जाऊंगा। ओके ठीक है चलो आ जाओ। आ सुनी ही मैं गल कहते कौन लगे, मैं पा दो भरा खेडनी हले। एक्सपीडिशन ब्रो, एक्सपीडिशन एक्सपीडिशन, ये तो बात सीधी जीटीए 6। चल विशेष भाई करी जाते, देखा नहीं तुम सुट्टी जाते बस हूँ। आजूगी आजू आजू आजू, फार्मिंग आऊगी लेट आऊगी ब्रो। आएगी लेट ही आएगी, मेरे को लगता है लेट आएगी। चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, यहाँ से चढ़ाएंगे। ओ भाई साहब बहुत सही, तो बिना विंच के हमने इसको चढ़ा लिया ऊपर। अभी तक के लिए तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है ट्रक अपना, लेकिन मेरे को थोड़ा सा गुस्सा सिर्फ ये है कि जो मेरे को अब कस्टम में सारा कुछ ही सेट करना पड़ेगा ना, उसका बड़ा दुख लग रहा है मेरे को। तो बेसिकली अगर आप कस्टम में आपको उसी प्री सेट को ऑप्शन दी गई होती एडिट करके सेट करने की, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाना था। पाया तो होगा को सोच के, पर गलत करता मैं थोड़ा, हमारी नहीं ना सोची उन्होंने, अपना सोच के डाल लिया भैया। ओ यार वो ज्यादा गलबात है, पे बैक ज्यादा गलबात है। लो जी ये स्टेज हमारी कंप्लीट होगी, इट्स ऑल डन। तो रिकवरी के लिए एच आपके पास है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन यू कैन रिकवर योर व्हीकल टू द फील्ड बेस। तो या जहाँ पे भी आपका फील्ड बेस होगा वहाँ पे आप इसको रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए आप मिनी मैप खोलिए और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीडिशन है और आपको लेके जाना है इसको यहाँ पे। तो फील्ड ऑपरेशन बेस पे आप इसको खोलना है, एक्स आपको दबाना है और आपको रिकवरी के लिए ट्राइंगल दबाना है, तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी यार, एक ना रात का टाइम मैंने बड़ा बड़ा लगता, तो L3 से आपने स्किप दुकान। यार यहाँ पे लिखा कहाँ पे हो रहा है कि रात पे कि दिन चढ़ गया, ये नहीं कहीं पे लिखा रहा ना, ये लिखा होना चाहिए दोस्त। हाँ ये लिखा होना चाहिए कहीं पर, स्किप टाइम के साथ साथ वो भी लिखा होना चाहिए। तो चलो यार डन, ये पहला मिशन हो गया हमारा। चलो जी इसको पार कर देना, ट्रॉफी मिल गई अपने को, मैनेजमेंट अप्रूव हो गई, $2000 मिला जी अपने को, मतलब आप इंडियन बोल सकते हो इसके आगे डॉलर का साइन नहीं है। और डॉन 71 ट्रक अपने पास अनलॉक हुआ है, आउटपोस्ट ईस्टर्न आउटपोस्ट मिल गई है और बोनस परसेंटेज मिला टेक लेस देन 200 damage। तो उसके लिए भाई साहब 2501 मिला, 2710 का वो मिला, तो मॉल चाल बन गया टोटल, हमने 5210 रुपये कमा लिए। ठीक है टू द हेडक्वार्टर्स जाएंगे, ये मॉल चाल इस गेम का। और बाकी तकड़ी गेम है, नेक्स्ट लेवल गलबात है, अच्छा लग रहा है मेरे को, नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट लेवल। 5 likes के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सेलेक्टर ड्रॉप ऑफ, लो जी अब हमने सारा कुछ इसका अनलॉक कर लिया, सो नाउ वी हैव द प्रिविलेज के हम तीनों में। ओ भाई साहब तो एरिजोना है हमारे पास, लिटल कोलोराडो है अपने पास, और पानी और दरख्तों से भरा हुआ कार्पाथियंस है हमारे पास। ठीक है जी, नहीं लाना पैना ब्रो लाना पैना। तो ये इसका है, एरिजोना में आपको पानी मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, और साथ में हिली है जो उसमें 37 एक्सपेडिशन है और 37 ही कार्पाथियंस में है और 5 expeditions लिटल कोलोराडो में है। तो आप लिटल कोलोराडो दे, बाकी मिशन आपने देख ही लिए, बेस मिशन है तो नियर बाय एक्सेस ये आपको मिल जाएगा। स्टोन फील्ड है, हैवी शिपमेंट है, फर्स्ट एक्सपेडिशन आपकी हो चुकी है। ठीक है जी भाई क्रिकेट प्ले करो हरजीत भाई, भाई क्रिकेट अज नहीं सुनियो, क्रिकेट अपनी हरजीत भाई लगेगी, किदन लगेगी क्रिकेट किदन है अपना
ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ, ਕੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕੱਲ ਬੱਸ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਆ, ਸੰਡੇ ਲੱਗੂ ਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁਣ, ਕੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕੱਲ ਬੱਸ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਲਾਈ ਯਾਰ, ਬੱਸ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਬੱਸ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਕਰੋ, ਸੰਡੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਓ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਠਾ 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 ਠਾ। ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਏਰੀਆਸ ਮੈਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੀਏ, ਟਰੱਕ ਹਮ ਲੇਂਗੇ ਏਕ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਡ ਮੋਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਵੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਆਪਕੋ ਸਕਾਊਟ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਸਕਾਊਟ ਟਰੱਕ ਇਸਮੇਂ ਆਪ ਲੇਂਗੇ, ਸਕਾਊਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਯੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਯੇ ਸਕਾਊਟ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੋਨ 71 ਔਰ ਇਹ ਡੋਨ 71 ਐਸ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਮੇਂ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਓਕੇ, ਤੋ ਐਸ ਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਯੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ 24 44 ਚੌਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਫਰਕ, ਚਲੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈਂ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਇਸਮੇਂ ਇਸਮੇਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹਮਨੇ ਲਗਵਾਉਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਮੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਓ ਹਾਂਜੀ ਐਪਲ ਮੈਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, 5000 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਇਤਨੇ ਮੈਨੇ ਖਰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਰ। ਕਲਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਮੋਡ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੀ ਐੱਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਪੀ ਐੱਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਪੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਤੇ, ਯੇ ਡਰੈਗਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਡਰੈਗਨ ਸੂਰਮਾ, ਤੋ ਇਹ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਕਾ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਅਭੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਰੂਫ ਮੇਂ ਰੂਫ ਰੈਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸਕਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਇਸਕਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਰੀਅਰ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸਟੋਕ ਬੰਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਰ ਬਾਈ, ਤੀਨ ਸਲੋਟਸ ਹੈ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੋ ਬਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਸਟੋਕ ਬੰਪਰ ਹਮਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੰਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਸਟੋਕ ਬੰਪਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਕਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਦੋ ਸਲੋਟਸ ਇਸਮੇਂ ਆ ਜਾਏਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਔਰ ਰਿਮਸ ਆਪ ਇਸਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਸਟਿੱਕਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲਗਵਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਵਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਮੇਂ ਇਹ ਹੋਗਾ, ਸਟੋਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਸਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ 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 ਓਕੇ, ਇੰਜਨ ਲੋਗ ਹੈ ਵੀ ਇਸਕਾ, ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਮੈਂ ਆਪ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਲਗਵਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਗੇਅਰਸ ਮੈਂ ਓਕੇ, ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਆਪ ਲਗਵਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 3000 ਕਾ, ਇਹ 4000 ਕਾ, ਇਹ 5000 ਕਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੋ ਆਪ ਇਹ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਸਟੋਕ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਟੋਕ ਕਿੱਟ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੌਕ ਕਲੋਰਲ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਵਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਤੋ ਅੱਛੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਆਗੇ ਸੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਚੌੜੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵੋ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਸਟੋਕ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੋ ਵੋ ਇਹ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਕਿੱਟ ਲਗਵਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਪ ਇਸਮੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਫ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਰੋਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਊਗੀ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੋ ਮੱਡ ਟਾਇਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਇਹ ਮੱਡ ਕੇ ਲਈ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਐਵਰੇਜ 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 ਗੁੱਡ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਲੈ ਲੇਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਟਾਇਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਿੰਚ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 3000 ਕੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪਕੋ 3000 ਕੀ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਆਪ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀ, ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ ਆਪਕੀ, ਤੋ ਇਸਮੇਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਸਟੋਕ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਉਸਕੋ ਵੇਚ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਉਸਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਕੋ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਟੋਕ ਕਿੱਟਾਂ ਇਸਕੋ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ 1000 ਕੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਟੋਕ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਫਿਰ, ਤੋ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਓਕੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗਾ, ਸਟੋਕ ਬੰਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਵਾਈ ਹੋ, ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਚਲੋ ਇਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਤਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਤੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੇਂ ਡਾਲਨਾ, ਤੇਲ ਡਾਲ ਲੈਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਲੱਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਕ ਸਕਰਿਊ ਰੱਖ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੇਂ, ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਤੇਲ ਰੱਖੋ ਇਸਮੇਂ ਨਾ, ਓ ਅੱਛਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੈਕ ਸਕਰਿਊ ਜਾਏਗਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੇਂ, ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ ਯੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਉਸਮੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਈ,
जगह नहीं, इसमें जगह नहीं है, तो चलो निकालते हैं इसको, लेके निकलता हूँ मैं, फिर डिप्लॉय करता हूँ। चलो चलिए भाई, स्टार्ट एक्सपीडिशन कर दी गई है हमारी ओर से, शुरुआत हो चुकी है मेरे दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं एक बार, मॉलचाल बनाते हैं भाई। आवाज़ चेक करो यार, मज़ेदार आवाज़ है यार इसकी, मज़ेदार आवाज़। यहाँ से तेल मैं ले सकता हूँ ना इसका, कंटेनर से क्यों यार, तेल कहाँ से लेके जाऊँ इसके लिए, एक्स्ट्रा तेल की जगह नहीं है इसमें रखने के लिए, इन्वेंट्री में वो उसमें तेल का गैलन आएगा नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यूज स्पेसिफाइड एरियाज में जाकर, ओ भाई साहब, तो ये थोड़ा थोड़ा चौड़ा रखा हुआ मैंने, जो मेरे को अच्छा लग रहा है बेसिकली। लाइट्स अपने ऑन कर लूँ, ऑल व्हील ड्राइव ऑन रखूँगा इसकी, और इसमें मैं लो प्लस में भी इसको चला सकता हूँ, तो इसमें अपने को कोई दिक्कत रहने वाली है नहीं। ये देखो ये है, लो प्लस में थोड़ी भागेगी ज़्यादा ये, मेरे को लगता है डिफरेंशियल लॉक ऑलवेज ऑन तो नहीं, इसका ऑलवेज ऑन लग रहा है मेरे को इसका डिफरेंशियल। चलो एक बार चलाते हैं फिर देखते हैं कम ऑन करें। 5 लाइक्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सबका। तो हम जा रहे हैं इसमें यूज़ अ मेटल डिटेक्टर, स्पेसिफाइड एरियाज में जाना है अपने को, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सा एरिया अपने पास इन्होंने जो दिया हुआ है। ये देखो, तो ये एरियाज हैं जो दिए हुए हैं अपने को, जहाँ पे मेटल डिटेक्टर यूज़ करना है अपने को। आ जाओ जी, नियर बाय एरियाज ये है, तो आप इसको यहाँ से फास्ट ट्रैवल करवा सकते हैं रिकवर यूज़ करके। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फील्ड ऑपरेशन बेस में जाके, रिकवरी हो जाएगी। ये देखो बिल्कुल सही है, तो आ जाओ। तो यहाँ से स्टेज कंप्लीट होगी हमारी एक, ओके। तो रेड का मतलब होगा अपने को रिसोर्सेज मिलेंगे, ब्लू का मतलब होगा आइटम्स मिलेंगी, ग्रीन का मतलब होगा अपग्रेड्स मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये 3 आइटमें मिलेगी अपने को, और यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे मेटल डिटेक्टर में, तो डिटेक्टर दबाएंगे आप, ओके। तो अब इसमें ग्रीन आपका इस तरफ रहेगा, ब्लू इस तरफ रहेगा, तो ये जोन ऐसे रहेंगे आपके। तो अभी आपके मैप के ऊपर दिख गए होंगे आपको, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। सो यू विल, ये देखो ये मैप के ऊपर आपके दिख गए ऑलरेडी। तो एक एरिया आपका ये है जहाँ पे आप जाएंगे, तो मैं डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ पे डाल लेता हूँ, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। चलो आ जाओ, गाड़ी काफ़ी घंट है ये वाली, ऑटो पे डाली हुई है हमने अभी, ले लिए ऑल व्हील ड्राइव ऑन किया हुआ है, इसका तेल ज़्यादा खा रही है, लेकिन अपने को उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये न्यू ऑब्जेक्टिव है, शो टास्क का है इसका, रिक्वायरमेंट्स जैसे कैंप पेमेंट दे रहा है, पेमेंट मिलेगी 16 पर, अभी नहीं मैं इसको डू नॉट फॉलो करूँगा इसको। वो जाना अपने को, वो देखो ब्लू वाला है, वहाँ पे निकलना अपने, काफ़ी ज़्यादा गलत है यार गेम की अभी तक के लिए, तो मेरे को मतलब मैं हैरान हूँ और थोड़ा सा परेशान हूँ। ओए ओए दिखी 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 दिखी, क्या करती है क्या करती है यार इसको, हाँ ऑटो रिवर्स है ना, ऑटो रिवर्स को डाल सकते हैं, कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। यहाँ से मुड़ा जाएगा मेरे को लगता है शायद, वो जाना अपने को, बिल्कुल ठीक है। तो हल्का से करीब बैक करके दोबारा बैक करता हूँ। चल टायर साइज में से हवा फिर कम, मैं मतलब अगर मैं कम करनी चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको बता दूंगा। ये देखो रिड्यूस प्रेशर कर दिया मैंने, तो अब हम इसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा, ओ देखो, ये देखो मेटल डिटेक्टर आगे ऊपर चलता रहेगा, घूमता रहेगा, वो आपको बताता रहेगा कि किस साइड आपका क्या क्या माहौल चल है। चलो जी, एयर ड्रॉप मिल गई अपने को, एक नवा क्रिस्टल डिस्कवर हुआ। इसकी कटाई काफ़ी कम है भाई, कटाई का थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को। और तेल आप ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं आप, हमने तेल काफ़ी उठा लिया, और लेकिन इसमें तेल का और कनेस्टर रखने की जगह होनी चाहिए,
लेकिन वो गेम को ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं बना पाएगी, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं है। चलो वो ऑल इन ऑल अभी तक के लिए मेरे को L3 दो ना आपको। अच्छा ये रात आ गई, अब यहाँ पे इनको ये देना चाहिए था कि दिन हो रहा है या रात हो रही है उसका मसला इन्होंने नहीं किया, उसको उसकी थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि वो थोड़ा सा, लेकिन वो मेरे को लगता है धीरे धीरे बना भी देंगे। अभी आज मतलब अभी तो रिलीजिंग भी इसकी 5 तारीख की है, तो उस हिसाब से तो गेम ठीक लग रही, मेरे को बहुत बेहतरीन लग रही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेसिकली। तो चलो निकलते हैं एक बार यहाँ से, और ब्लू सिग्नल और ग्रीन सिग्नल दोनों को देखना है अपने को। ब्लू सिग्नल मेरे को लग रहा है शायद यहाँ पे होगा, ये रहा जी ब्लू सिग्नल एयर ड्रॉप के पास है अपने, तो यहाँ पे जाएंगे हम। ठीक है जी आ जाएंगे, वो देखो इस साइड यहाँ पे वो देखती प्रॉब्लम थोड़ा सा ना, बस मेरे को ये लग रहा है कि गियर शिफ्टर की मेरे को आदत ज़्यादा है, तो उस वजह से ना थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं अभी सेट होकर बैठ रहा, क्योंकि स्नो रनर पे तो गियर शिफ्टर जिसमें इस हिसाब से मैंने डाले हुए हैं उस हिसाब से सेटिंग हो जाए तो माहौल चाल ओकेर हो जाए सारा, वो मैं कर लूँगा हो जाएगा धीरे धीरे सेट, कोई इतनी ज़्यादा मारो मार नहीं है, वो वी विल डू इट, वो कोई चक्कर नहीं, ज़्यादा मतलब इतना स्ट्रेस लेने वाली कुछ बात है नहीं बेसिकली। चलो ठीक है डन है भाई, मिल देंगे कल। ओके तो ये मेरे को ब्लू जोन है कहीं पे, यहीं पे ब्लू जोन में जाएंगे हम। ये लग रहा है मेरे को शायद एयर ड्रॉप का पॉइंट ना शायद, यहाँ कहीं पे होना चाहिए। और आगे मिल गया मिल गया भाई 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 बेटे 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 ध्यान 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 डिफ्लॉक ऑन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मेरे को लगता है चेक कर लेता हूँ, मेरे को लगता है ऑन करना ही पड़ेगा, लो में डाल के डिफ लॉक ऑन कर लो यार, डिफ अच्छा ऑन है ना इसका। यार इसको थोड़ा पीछे करो, अब बनाओ मैं निकलेगी यहाँ से, निकल जानी चाहिए मेरे को लग रहा है सर। अभी के हिसाब से तो गेम काफ़ी मेरे को ठीक लग रही है, लेकिन ये देखो बस यही प्रॉब्लम है, क्लच काम कर रहा है, गियर्स में दिक्कत आ रही है, और गियर्स अगर मैं पूरे इसमें वैसे ही उसमें कस्टम की जगह ऐड ऑन करता हूँ तो वहाँ पे दिक्कत रहेगी, तो ठीक है थोड़ा थोड़ा करके मेरे को लगता है हो जाएगा सेटिंग मेंट। ये देखो ना गियर शिफ्टर नहीं बेसिकली आपका चल रहा, बाकी सब चल रहा है, तो गियर शिफ्टर अगर आपको मैनुअली करके जैसे मैं खेलता हूँ वैसे करना पड़ेगा तो वहाँ पर फिर दिक्कत आती है आपको, और उसके लिए फिर आपको वही तामझाम के मतलब सारे ही बटन सेट करने होंगे कस्टम में, ऐसे थोड़ी होता भाई उन्हीं को जो ओ बस, तो मेरा मानना ये है कि जो आपका प्री सेट है ना वो बस 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 बेटा गुस्सा नहीं करना बस, तो प्री सेट में अगर मेरे को थोड़ा सा वो होता कि थोड़ा सा एडिट कर लें, जैसे स्नो रनर में इन्होंने दिया ही हुआ है बेसिकली, उसमें कुछ नवा डालने वाली जरूरत है नहीं थी, बट चलो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये ट्रेड जाएगा, एंकर में आ गया ठीक है, तो ये वाला भी मेरे को लगता हो गया हुआ सॉर्टेड, तो अब रह गया अपना लास्ट वाला, ये वाला रह गया एरिया ठीक है, तो मैं इस पर निशान लगाता हूँ किस एरिया में जाना है। चलो मेरा दिल है कि यहाँ से उतार के इसको लेके जाऊँ, एक स्काउट का यार ये फायदा रहता है आपको कि आप छोटी सी जगह से भी इजीली निकल जाते हो, कोई स्ट्रेस नहीं रहता आपको, कोई टेंशन नहीं रहती आपकी। ओए ओए भाई अच्छा, तो एक और इसमें समस्या रहेगी कि आप कभी भी अगर आपको गाड़ी तेज़ भगानी है ना तो आप उसको लो प्रेशर में या मीडियम प्रेशर टायर प्रेशर में गाड़ी मतलब गाड़ी भगा नहीं सकते आप, आपको इसको हाई करना रहेगा हमेशा और ज़रूरी रहेगा वो। ओ भाई साहब बेटे, और स्काउट हमेशा हल्का रहता है जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आप इसको कहीं पे भी घुसा सकते हो वहाँ से निकल जाएगा ये वाला ठीक है, लेकिन चक्कर सिर्फ ये है कि ये सामान ज़्यादा कैरी नहीं कर पाएगा, उसकी दिक्कत ये रहती है। ओ भाई
टक्कर जबरदस्त हुई, 11 पॉइंटों को नुकसान हुआ लड़के का। भयंकर टक्कर अपनी विजिबल अटैचमेंट अपनी भाई, टायर रगड़ने की आवाज़ आ रही है। चलो जी, तो या तो फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको लो पे डालता हूँ, इसको कम करता हूँ, अब चढ़ाते हैं यहाँ पर, देखते हैं अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है ये। निकलना चाहिए यहाँ से, निकलने की कोशिश 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 कोशिश। पिछले टायर नहीं चढ़ रहे ऊपर, आगे चढ़ गई हुई आगे से, वो स्लिप करके नहीं चढ़ रहे या पता नहीं क्यों नहीं चढ़ रहे वो, पर पॉइंट तो कोई है नहीं, वो तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ एक और काम किया जा सकता है, इसको लो माइनस पे डाला जाए, लो माइनस में आपके टायर सबसे कम वो घूमेंगे ज़्यादा, लेकिन उसका टॉर्क बहुत रहने वाला है, ये इसका फायदा होता है बेसिकली। कोशिश करता हूँ मैं, ये चढ़ जाए कहीं से, क्योंकि बैग ये वैसे ही नहीं जा रही अभी। बैग आने के मूड में लग नहीं, आ गई आ गई आ गई, चढ़ जाए निकल जाएगी, ठीक है।
सही रहा है, अच्छी तरह कर लेना चाहिए। जान नहीं रही जान डालेंगे इसमें तो बेटा। अच्छा जी, ब्यूटीफुल व्यू एक ये है और एक ये है ब्यूटीफुल व्यू, और एक ये भी है वो ब्यूटीफुल व्यू करके, लेकिन यहाँ पे तो मैंने पकड़ लेना ब्यूटीफुल व्यू, वो पकड़ा ही नहीं अभी मैंने। ये गया है सेंटर में, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड माइनिंग हेड टू द माइन। ओह शाम एडवर्ड चौड़ा में तो ये तो हो रहा है मेरा ट्रेन में तो हो रहा है। ये हो तो गया यार मेटल डिटेक्टर इन द स्पेसिफाइड एरिया, वो कर दिया मेटल डिटेक्टर कर दिया हमने यार, ये थोड़ा सा चक्कर है इसका। वो कर दिया होगा जरूर, लेकिन हेडक्वार्टर्स। अच्छा जी, तो ये हर बारी आपको हेडक्वार्टर्स पे ले जाना पड़ेगा इसको, ये तो भी एक बात है। ठीक है जी, टाटा 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 टाटा। लिटिल कलोराडो एरिजोना, ये अलग अलग मैप है इसके। ओके, नियर बाय एरियाज ये तो कर दिया मैंने, एक्सपेडिशन कंप्लीट होगी ना इसकी। स्टोन फ्लड है शिपिंग है, अच्छा ठीक है, तो स्टोन फोर्ड में जाएगा टूल विद, तो इसमें एक जैक स्क्रू चाहिए होगा, कैंकर चाहिए होता है, ठीक है, ट्रक चाहिए अपने को ऑफ रोड। ठीक है जी, तो ये करें ट्रक चाहिए इसमें अपने को ऑफ रोड। ऑफ रोड कौन है, ये स्काउट है, ये लोड्स पर है, ऑफ रोड का ये चल जाएगा एक्टिशियन और एक एक्टिशियन एससी, इन दोनों पर ये अपना वाला है ये ना ऑलरेडी, ये है ये अपना ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें आप कस्टमाइज में आ जाएंगे, आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आप बोल्ट ऑन फेंडर्स लगा देंगे, रियर में क्या है ये नहीं, रूफ रैक ऑलरेडी लगा हुआ है ना मेरे पास। ठीक है, बम्पर आ गया जी, अग्गे आ गया बम्पर, हैवी बुल बार, तो ये तो लग ही जाएगा, इसमें जगह है अपने पास, एक एक स्लॉट भी है ना आगे, बिल्कुल ठीक है, तो इसको मैं बेच दूंगा, ये लगा लूंगा मैं। ठीक है जी, इसको आप बेच सकते हैं, स्टॉक को मैं बेच रहा हूँ, डन हो गया जी। और रूफ रैक में कुछ बेचने के लिए अपने पास है नहीं, शॉर्ट साइड बोर्ड है ऑलरेडी, कलर का हो गया जी, एक्सटीरियर स्टिकर, और इंजन नहीं है, गेयर बॉक्स नहीं है, स्टॉक किट लिफ्ट किट
नहीं ये ढूंढना पड़ेगा अपने को, टायर साइज मेरे को लगता है शायद। चलो कोई बात नहीं, स्टॉक विंच की जगह हम एक्सटेंडेड विंच लगा सकते हैं, इसको हम बेच सकते हैं 1000 में। स्नॉर्कल मेरे को है लो, इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट अबव नॉर्मल, ठीक है तो इसको करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया सारा ताम झाम सेट। इसका एक्सटीरियर स्टिकर्स लगवाने हैं क्या, इसका कोई अनलॉक नहीं हुआ। ठीक है, कार्गो के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इन्वेंट्री के लिए अपने को क्या क्या लेना वो देखना पड़ेगा मेरे को। साइड बोर्ड में नहीं रखूँगा, इन्वेंट्री में रखूँगा इसको। ये क्या लाइट बीकन यूज टू मार्क इंटरेस्टिंग और सेफ प्लेस, ये नहीं चाहिए। कैमकॉर्डर भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ओके, एंकर चाहिए, एक जैक स्क्रू चाहिए। यार ये साइड बोर्ड में आता ना, इसका चक्कर है मेरे को ना, ये मसला है थोड़ा। ये साइड बोर्ड की जगह ना अगर इन्वेंट्री में चला जाए ना, तेल वाला बड़ा मसला है, क्योंकि वो 4 स्लॉट्स ही मिले हैं मेरे को, यहाँ पे नहीं है ना, ये चक्कर है इसका। ये मसला है मेरे को इसका, ये साइड बोर्ड में जाएगा। अगर ये साइड बोर्ड में जाएगा तो फिर उसकी जगह आप कहाँ एडिशनल स्टॉक। ये देखो ना, ये साइड बोर्ड में चला गया। ये चल गया, ये चल गया, ये इसका चक्कर है, इसका रफड़ा है सारा। क्योंकि अगर इसको रखता हूँ तो साइड बोर्ड में जगह 4 बजती है, फिर वो भी चक्कर है। ये थोड़ा सा धक्का कर दिया इन्होंने। ये देखो ना, ये कार्गो में आएगा ना सामान साइड बोर्ड में, ये टायर स्पेयर व्हील स्पेयर पड़ी है सब उसमें। चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, आएगा तो आएगा। रिसोर्स ओके, एमरजेंसी रिजर्व यूज ए स्मॉल सप्लाई ऑफ पेंच एमरजेंसी रिजर्व एस ओके। ये कहाँ पे है, स्मॉल सप्लाईज टू स्पेयर पार्ट आउट इन पेंच व्हेन अदर सप्लाई डिप्लीटेड यूज्ड, ये कहाँ पे लिया हुआ मैंने। हाँ तो इसमें यूज है तो इसमें रखना फिर समाल तेल रूफ वो देख, सारा कुछ है तो सही इसमें। फिल स्लॉट्स, अच्छा भाई साहब देखा, फिर मैं भी कही जाऊँ तेल रख इसमें, रख तेल इसमें, ऊपर वाले में तेल रख ले सारा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ से मॉडिफाई करना था इसको। फ्रंट में टायर रख सकते हैं, आ जाएगा जी। साइड बोर्ड में मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ, साइड बोर्ड में नहीं रख सकता हूँ मैं। फ्यूल स्पेयर पार्ट है, स्पेयर व्हील, व्हील तो आ गया बट ठीक है, निकलते हैं। तेल होगा पूरा, ये होगा पूरा ना, साइड बोर्ड खाली रह गया अपना, उसमें सामान आ जाएगा। तेल ऊपर आ गया, 5 स्लॉट है ऊपर के ऊपर, इसमें तेल आ गया वो। ठीक है जी, ते उसका आगे रख लिया मैंने, ये ठीक है। अब हम निकलते हैं यहाँ से, तो निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग, डिप्लॉय कर रहे हैं। चलो जी, तो ईस्टर्न आउटपोस्ट यहाँ से निकलना अपने को। चलो जी, तो ये लेके निकल रहा हूँ मैं ट्रक, आ जाओ सोने हो। चलो जी, गेट टू द पॉइंट, पॉइंट कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा अपने को। ओके, तो हम जाएंगे किधर से जाएंगे, इधर से भी जा सकते हैं सीधा, इधर करके ना फील्ड ऑपरेशन बेस से ही रिकवरी करवा लेता हूँ। पैसे कहाँ पे, सीधा रिकवरी करके यहाँ से निकल जाते हैं। चलो आ जाओ, ऑल व्हील ड्राइव ऑन कर लेता हूँ, पक्की पक्की ऑन कर लेता हूँ। यार इसका ना मैं हॉर्न चेक करना चाहता हूँ, हॉर्न कहाँ से होगा इसका वो देखना मेरे को, कंट्रोलर में जाकर हॉर्न चेक करना। यार रीफ्यूल रिपेयर L1+X हो जाएगा वो तो, ठीक हो गया, रिवर्स हो गया, थ्रॉटल हो गया, क्लच होगी, हैंड ब्रेक होगी, ऑल व्हील W, क्विक विंच, व्हीकल सेटिंग्स होगी, इन्वेंट्री होगी, टायर इन्फ्लेशन सिस्टम हो गया, हैंड ब्रेक होगी। यार इसमें हॉर्न दिया ही नहीं है फिर मेरे को लग रहा है, शायद पता नहीं क्यों। नहीं दिया हुआ, डिफरेंशियल लॉक, ऑल व्हील ड्राइव, हैंड ब्रेक, इंजन, क्लच, थ्रॉटल, लो जी हॉर्न नहीं दिया हुआ दोस्तों। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, हॉर्न ही नहीं इसमें। इफ यू ओवर टर्न द ओपन देन ओपन इन्वेंट्री वेर यू विल फाइंड अ जैक स्क्रू, ये करके ये सारा बताया उन्होंने, वो करा कि इन्वेंट्री में, और यहाँ से आप जैक स्क्रू ये ले सकते हैं, ये जैक स्क्रू आपका दो, ठीक है जी। तो ये अगर आपकी गड्डी पुकी हुई है तो आप यूज कर सकते हैं। चलो निकलते हैं, चलो 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 चलो
गेम तो काफी बढ़िया लग रही है सर, मेरे को एक बात का दुख या मलाल कह लो। ओ भाई साहब बस सिर्फ एक बात का मेरे को हल्का सा दुख या ग्रज कह लो, वो ये है कि अगर बाकी सारा कुछ ठीक करके वही कस्टम दे देते दे तो वही हो जाना था। ये देखो ये अच्छी बात और कि आप अगर बहुत हल्की सी रेस देंगे तो जिस टायर के ऊपर आप जोर लगाने की कोशिश करें और टायर बन जाएगा। ये देखिए जैसे ट्रक के टायर और ट्रैक्टर के टायर होते हैं बेसिकली, तो आप एक साइड के ऊपर ये देखिए अगर आप हल्की सी रेस देंगे तो वो देखिए वो सिर्फ वो वाला टायर बनेगा। तो ये एक और अच्छी उमदा चीज़ है उसमें ऑल व्हील ड्राइव का, क्या वो अपने हिसाब से यहाँ से निकले। ओके तो यहाँ से आपको इसको चेक करना पड़ेगा, पहले मैं इसको लो में डालता हूँ। ओके लो में डाला आपने, अब इसको डिफॉर्म करेंगे हम और डिवाइसेस में जाके सोनार यूज़ करेंगे हम कहाँ से निकल सकते हैं। ये सारा ग्रीन ही है तो वी कैन गो यहाँ से निकल सकते हैं बड़े प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारा ग्रीन ग्रीन सारा ही ग्रीन आ गया होगा, तो सारे ग्रीन का मतलब कि आप कहीं से निकल सकते हैं। तो बहुत टायर ओ भाई साहब अच्छा यहाँ से मेरे को लगता है शायद If you want to use a winch, but there is no convenient point to connect it, use the anchor. तो anchor इसमें नवी चीज़ दी अपने नॉन स्टोनी ग्राउंड के ऊपर यूज़ हो जाएगा, तो आप यहाँ से यूज़ करेंगे तो ये यूज़ करेंगे आप इसको, तो थोड़ा सा अगर आप आगे करेंगे ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें स्यापा ये है कि आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, आपको इस बात का आपको बेहद ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बस यहाँ पर लगा के अब आप इसमें यूज़ करेंगे, ये देखो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको नॉन स्टोनी ग्राउंड पे ये यूज होगा। तो ये हमने विंच लगा दिया वो इसको, ओह भाई साहब गेम तो है कतई गाडर, लेकिन मेरे को लगता है एक दो दिन लगेंगे मेरे को इसको सारा सेट करने पे मौत का। ठीक है तो चलो सेट करते हैं, मेरा तो और इसमें आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो भाई इसको। ठीक है लेस देन 100 डैमेज हुआ वो मिला, डोंट फ्लिप द कार मोर देन 3 टाइम्स वो भी आपको 1000 मिलेगा। ठीक है तो ये अपना हो गया जी टू द हेड क्वार्टर्स, वो अच्छी बात। तो एक और हमने कंप्लीट कर ली एक्सपीडिशन, तो ये ऐसा ऐसा जब माहौल है 3 में से 5 होगी, इसमें 37 है एरिजोना में और इसमें भी 37 है, तो कल लग जाएगा टाइम मेरे को, तो मैंने आज ही निबेड़ देनी है ये सारी। हैवी शिपिंग वन ऑफ द फॉरवर्डर इज ट्रक एंड स्वैम्प, सो यू नीड टू डिप्लॉय एंड वेक्यू टू द ट्रक, दिस इज अ हैवी ट्रक सो यू नीड अ पावरफुल व्हीकल टू पुल इट आउट एंड टेक इट आउट द आउटपोस्ट, सो टेक इट आउट। ओके ऑफ रोड ट्रक चाहिए हैवी शिपिंग के लिए, तो मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। इसमें मिलने क्या वाला है अपने को, ओके ये पैसे मिलने वाले हैं अपने को, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल। नहीं कैंसिल करना है इसको, बाकी तो ठीक है। मैप की तरफ आऊँगा मैं ना, ट्रक लेके जाना पड़ेगा अपने को, एक ट्रक मैं कौन सा लेके जाना पड़ा अपने वाला ट्रक कहाँ पे है। ये अपग्रेड्स 41 out of 50 है, 31 out of 54 क्या बात है भाई, ये लग रहा है दहशत गलबात है इसकी, इंग्लिश गलबात है। तेल के ऊपर कनिस्टर पड़े हैं ना, इन्वेंट्री में क्या है इसकी, इन्वेंट्री में डॉन एस सी है ये वाला, ये भी है पावर स्ट्रेंथ है माइनस एस की, सेम सॉर्ट ऑफ ये कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो इसको गैराज में लेंगे, ये ट्रक मेरा कस्टमाइज कराएंगे इसको, इसके ऊपर देख लो तेल पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, फ्रंट में रूफ में तेल पड़ा ही हुआ ऑलरेडी सॉर्टेड है इसका। तो इसको लेके निकलता हूँ मैं अभी, चलो निकलते हैं इसको लेके भी, डिप्लॉय कर दिया मैंने। चलो जी अपने को ईस्टर्न आउट पोस्ट जाना है पहले, तो सिलेक्ट डिप्लॉयमेंट जोन कौन सा रहने वाला है, ईस्टर्न आउट पोस्ट ना, हाँ यहीं से निकलना मेरे को। तो इसमें अच्छी बात ये है कि आप डिप्लॉयमेंट जोन ठीक है, नहीं यही रहूँगा ना मैं, हाँ ठीक है। तो इसमें आप डिप्लॉयमेंट जोन है जो वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं आप इसमें, तो वो एक अच्छी बात रह जाती है इसमें। L3 का अच्छा ये ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आज पहुँच चल रहे हैं
ऑल व्हील ड्राइव में ऑन कर लेता हूँ इसकी ऑलरेडी। और मेरे को गियर है, गियर अगर मेरे ठीक हो जाए ना तो फिर गजब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरे को लगता है कि पूरा मॉन्स्टर बनाना पड़ेगा, मेन तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और चलो कोई नहीं, वो करते हैं, क्योंकि उसमें फिर ये है क्लच तो ऑलरेडी काम कर ही रहा, तो गियर शिफ्टर के ऊपर काम कर ही जाओगे तो बेहतर हो जाएगा। वो क्या इधर से जाना है ना वो नीचे, ओके तो नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाएंगे हम कहाँ से, और इसका मैं वो सेट करता हूँ, फिर नीचे जाएंगे। यहाँ से भी उतर सकता हूँ वैसे, ये यहाँ से उतर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं इसका टायर का वो बिल्कुल कम कर लूँगा। यहाँ से उतार लूँगा, यहाँ से उतर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अच्छा बहुत लोग तो उतारूँगा इसको, कोई स्ट्रेस नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव ऑलरेडी हमने ऑन की हुई, टायर इसके मैंने चेंज कर लिए थे ऑलरेडी, तो उसका अपने को बेहतरीन फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। रॉक क्रॉलिंग करके भी जा सकते हैं नीचे, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हॉर्न इसमें नहीं दिया हुआ, हॉर्न का ऑप्शन ही नहीं है भाई इसमें, कोई मतलब दिया ही नहीं हुआ हॉर्न, आप यूज़ करो ऐसा कुछ। ओ पलटी ना पलटी ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ। जहाँ तो एक और काम कर सकता हूँ, इसको लो में डाल देता हूँ, इसका डिस्क ऑफ ऑन कर देता हूँ, क्योंकि तेल की अभी अपने को स्ट्रेस तो है नहीं, तेल तो काफ़ी है मेरे पास। वो ट्रक है जिसको लेके जाना अपने निकाल देता, तो ये अपने को ट्रायल बेस ही चल रहा है इनका भी, आप मान के चलो एक्सपीडिशन में ट्रायल बेस ही चल रहा है इनका, क्या क्या है। और पूरे साल का कंटेंट तो DLC तो आने ही वाली हैं, अभी एक अलग मोर्चा रखा है। साउंड क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, ऑडियो एनहेंसमेंट अच्छी है, और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल बड़ा सही है, तो आपको कहीं पे भी लैग ही नहीं लगती, या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो इनपुट अलग से चल रही है वो ऐसा कुछ। ओ भाई साहब ग्राफिक्स तो मतलब बात ही छोड़ दो, आपको तो हाइप खत्म ही कर दी दुनिया का ग्राफिक्स तो ऑलरेडी है। यूज द विंच, ओके आफ्टर द विंच इज सिक्योर टर्न ऑन इंजन ऑफ द डोर, ओके। तो अदर डिवाइसेस में जाएंगे, यहीं से आप विंच जाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे विंच, और विंचिंग मैं इसकी बैग पे डालूँगा ये वाली, और यहाँ पे ये डाल दूँगा। तो अब टर्न ऑन इंजन करेंगे L3 से, उसको आपने ऑन कर दिया है, तो ये दिखाता हूँ आपको मॉल चलब में। गाड़ी घुमाने की कोशिश करेंगे पहले बार, तो इसमें ये भी फीचर है कि आप ये देखिए लूज भी छोड़ सकते हैं, ताकि आपकी आपके ट्रक को स्लो रन में ये फीचर नहीं था, आप सिर्फ पुल कर सकते थे, आप पुश करके रोप को लूज नहीं छोड़ सकते थे। तो इसमें अगर आप लूज छोड़ते हैं ये देखिए, तो उससे क्या होता है कि आपकी आपके ट्रक को कोई ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं रहती। ओ भाई साहब नहीं, आराम से आराम। मैंने प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो किया हुआ है, जिस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं प्यार से निकलने की यहाँ से। निकलने के प्रयास में लेकिन ये मिट्टी में धंसता चला जा रहा है, अब निकलेगा क्योंकि चिक्कड़ जा रहा था, तो चिक्कड़ में अगर आप वो करेंगे तो वहाँ पे ट्रैक्शन नहीं, आपको उसकी ज़रूरत होती है, वो मिल जाए मोहतल मतलब फ़ौरन नहीं है इसमें, वो है ही ऑप्शन। तेल के ऑप्शन की टेंशन नहीं, वो तेल अपने पास काफ़ी ज़्यादा है। वैसे स्नो रनर से ग्राफिक वाइज तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, और वैसे भी जो टायर इन्फ्लेट डीफ्लेट का मसला है ना, वो और ज़्यादा अच्छा कर गया। और अच्छी बात यह है कि आपको बार बार मैप खोल के वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती मार्किंग्स, क्योंकि मार्किंग्स ऑलरेडी दी हो चुकी है, ज़्यादा स्ट्रेस रहता है मार्किंग। बाल बाल बताना चल
ये अब निकलेगा कहाँ से उस्ताद, पूरा घूम के आऊँगा कैसे करूँगा मैं। हैंड ब्रेक लगाओ इसकी, उसको बंद करो, अब चेक करो, यहाँ से मैं इसको ड्रोन उड़ा के देखता हूँ जाना कहाँ से। तो इधर से जा सकते हैं कहीं से, नहीं फंस जाऊँगा उधर से जाना पड़ेगा, बड़ी का सीधा सीधा निकल उधर से निकल जाऊँगा। चलो जी हो गया शॉर्टकट, तो निकलते हैं यहाँ से आ जाए, इसको थोड़ा पास खींच लेता हूँ ट्रक को। अच्छा इसको ऑन भी करना है, तो जो वो भाई ये फंस गया होगा कैसे निकलेगा यहाँ से, निकलेगा निकलेगा। हवा का प्रेशर कम कर सकते हैं, अब निकालने की कोशिश करता हूँ शायद दिखे। लेकिन समस्या ये इसमें इतनी जान नहीं है ना, इंजन अभी अपग्रेड नहीं किया हुआ तो उसका वहाँ पे दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ शायद निकल जाए तो निकल जाए। यहाँ तो एक बार रिवर्स लेता हूँ भाई 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 भाई, भाई, भाई। अब निकाल के देखता हूँ निकल जाए, भाई टायर पूरा कब क्या होता है सर। हेलो
भाई हाल देखो, गरीबों का पैसे सारे खत्म कर लिए, अब सरदार जी के पास पैसे नहीं, मिशन शुरू करना के आए आए चक्कर पड़ गया भाई साहब, बहुत तगड़ा। कोई नहीं, करता हूँ कुछ। पैसों का क्या करूँ, पैसे खत्म हो गए उस्ताद मेरे पास। इन्हों ही बेच दे। यार ये बड़ा चक्कर पड़ गया स्टिकर। चलो जी, बहुत बहुत बधाई हो, फाइनली हो गया जी काम अपना। सो साउथर्न से कर रहे हैं शुरू हम। जाना कहाँ पे अपने को? जी जी स्टार्ट एक्सपेडिशन, ठीक है जी। तो भी यार मेहनत तो मेरे को बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसका कारण ये है कि मेहनत इसलिए ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को गियर रूम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना
इधर ही जाना है ऊपर, वो देखो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। और भी वाइफ हो सकते हैं वहाँ पास, ग्राफिक बहुत ज़्यादा सोने हैं और खास करके जो मैप के ऊपर काम किया ना उसको बहुत ज़्यादा है। सिर्फ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते तो और अच्छा तो वो दो तीन चीज़ें तो बाद में भी हो ही सकती हैं अगर आप बुकिंग करें। और इधर कहीं पे आनी चाहिए थी, यहाँ कहीं पे थी मेरे को लगता है शायद। चेक करता हूँ पीछे जाके, इसमें ना यही चक्कर रहेगा। बाकी सेटिंग्स सर मेरे को कस्टम करने पड़ेंगे, तो गियर शिफ्टर नहीं चल रहा इसका, मेरे को पता चल रहा गियर शिफ्टर नहीं चल रहा, तो मेरे को गियर शिफ्टर का करना है। ये देखो मैं ये बार बार डालने में दिक्कत आती है। ग्रिप के लिए हवा तो निकाल दी कारण बताता हूँ क्यों, क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया जब चेक कर लें।
था, मेरे को लगी ये गेम बड़ी प्यारी, हम मैं इससे बेहद खुश। और ट्रक के लिए तो ग्राउंड प्रेजेंस थोड़ी है सब, और एक सेंटर में गेट जो उसके ज़्यादा पड़वाना होगा तो वायर प्रूफ का है ना स्टैंड मिल गया, और नहीं है इसमें इसको करने का और तरीका है। मैं हवा थोड़ी सी और ज़्यादा डाउन कर देता हूँ, अगर ना ट्रैक्शन आ जाएगी पिछले वाले टायर पे वो देखना रोड पर, और अब स्यापा ये है वो आगे से रोड अपन कर दो। आयो बापू इतना 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 रिमोट से भी आप इसको रिमोट से भी आप इसको कर सकते हैं। डालेंगे तो आपको गियर्स का सेट करना पड़ेगा, तो चक्कर इसमें नहीं है, तो मेरे को लगता है वी माइट हैव टू गो दिस साइड, इधर इधर जाके देखेंगे। चलो आगे निकल जाएगा, ट्रैफिक वही तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की हुई है चौवालीस, तो ये आ रहा है इस साइड ना, यहाँ से लेगा 244। यार एक मिनट ठहरो, मैं ना गियरिंग गियर की सेटिंग्स कर ही लेता हूँ, एक मिनट ठहर, तो जरा कर लेते हैं सेटिंग। स्टीयरिंग बोर्ड ऑफ है, ये ऑन करके ऊपर मैं देख लेता हूँ एक बार, सेटिंग्स देख लेता हूँ कि किस किस पे इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है जी, कॉमन कंसोल प्रेजेंट पे ये सारा कुछ किया उन्होंने,
इस पे ना एम टी छोड़ा हुआ, वो वहाँ पे दिक्कत आ रही मेरे को शायद, एक बार चेक कराता हूँ। ये देखो ना, ये खत्म, ये जेड एक्सिस, आर एक्स, एड सोर्सेज, एम टी बटन, चार हैंड ब्रेक, क्विक विंच बटन, पांच ऑल व्हील ड्राइव बटन, सात हॉक बटन। वन बटन वन कौन सा है इसमें भाई? अरे हॉक बटन वन कौन सा भाई? हेडलाइट, बत्ती, तेती, वन बटन कौन सा हुआ इसमें भाई? मेरे को ये नहीं पता इसका। बत्ती, नेविगेशन बत्ती, पॉज, कैमरा पी हुई, अप डाउन, लेफ्ट राइट, 43 44, एम टी, टायर इन्फ्लेशन सिस्टम, इसमें एम टी छोड़ा हुआ व्हील पे ना, ये चक्कर है। गियर ऑटो, रिवर्स, न्यूट्रल। अप डाउन लेफ्ट राइट व्हील, इसको छोड़ दे। नेक्स्ट, इसको भी छोड़ा होगा ना, कोडेक्स, ओके। तो सरकार हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर देते हैं, जो जो हमने छोड़ना होगा वो खाली छोड़ देंगे, यही हो सकता है, फिर और क्या हो सकता है। और हॉक का देख लेते हैं कहाँ पे रखा है इन्होंने। दिया हुआ है रिवर्स से उन्होंने, चेक कर लेते हैं। बटन वन कौन सा, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। लो जी, फौरन तो चल पड़ा, बहुत बहुत बधाई आपको। तो गियर भी चल पड़े मेरे, ठीक है जी, वाह, वेरी नाइस। अब मेरा क्या क्या नहीं चला मेरे को वो सेट करना। चलो जी, बहुत बहुत बधाई आपको, गियरिंग सेट हो गई, कस्टम वहाँ पे आ गए हुए हम, आ गए आ गए, अब हमें आ गया सिस्टम सारा समझ। स्टीयरिंग व्हील एक्सिस, एक्सेस, ओके। तो ये एक्सिस एक्स पे है, थ्रोटल पेडल, वाई ब्रेक, ओयो ब्रेक, जेड एक्सिस, क्लच कहाँ पे है? ये वाला होगा, ठीक है। रिसोर्सेज अभी छोड़ देता हूँ मैं। हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक ठीक है। क्विक विंच, ट्राइंगल से जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव, अच्छा एक मिनट एक मिनट, यार फिर ऑल व्हील ड्राइव एक ना, पहले बटन रख, दूसरा बटन कहते हैं एक्स से, वो रखे को रही रहा। अगर ये हो गया फिर तो बल्ले बल्ले हो नहीं, मैंने कर ही लेना, मैं सोच रहा हूँ कर लेना, मैं सेट कर लेना ऑल व्हील ड्राइव। गियर तो मैंने कर लिए सेट, वो ठीक है सारे। न्यूट्रल, व्हील, यूए, अप डाउन लेफ्ट राइट, एक्सेप्ट करना है। अबे यार क्या है, वो अच्छा एक्सेप्ट का यहाँ से दबाना है, डिक्लाइन यहाँ से करना है, डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है जी। यू आई लेफ्ट क्या है, यू आई राइट, डिवाइसेस, नेक्स्ट क्लॉक वाइज, नेक्स्ट कंट्रोल, इसको छोड़ दे, क्लोज कोडेक्स छोड़ दे, मैप, मैप अपना मैं चाहता हूँ इससे निकला है मैप अपना, ठीक है। शो ऑल वर्ड, इसको छोड़ दे, डिप्लॉय डिप्लॉय करता हूँ इससे। अच्छा ट्रेड और स्वैप, वो भी इससे हो जाएगा। सेल मॉड्यूल,
ट्राइंगल से भेज देते हैं, चेंजिंग ट्रक फॉर एक्सचेंज। एक्स से कर देते हैं, ठीक है। विंच कंट्रोल्स, विंच सिलेक्ट किससे आएगी, पुल किससे आएगा, पुश किससे आएगा। पुल आएगा मेरा इससे, पुश आएगा मेरा इससे, विंच सिलेक्ट आएगी मेरी, विंच किससे रखूँ, ये बेसिक सी है ना। नहीं, विंच सिलेक्ट किससे करूं, कैंसिल, एक मिनट है ना, पुश पुल ये हो गया। रिलीज किससे करनी है, इससे रिलीज कर दे 6 से, ठीक है। विंच सिलेक्ट का देखो किससे सिलेक्ट कर, पुल 5 से जाएगी, इतने आ जाएगा, मुझे एक्स करना, इसको छोड़ दे, मूव फॉरवर्ड, आगे, बैकवर्ड, ड्रोन को छोड़ दे, उसकी जरूरत नहीं मेरे को उसको कराने की, कैमरा छोड़ दे, जूम इन यहाँ से हो जाएगा, जूम आउट इससे हो जाएगा, ठीक है जी। बाइनोकुलर का कैमरा पर यहाँ से कर ले, कैमरा डाउन यहाँ से कर ले। तो बेसिकली आपको एक वही बटन सारे सेट करने होंगे, और जूम इन जूम आउट, और कैमरा मिनी गेम्स तो नहीं चाहिए मेरे को। हाँ तो मूव अप मैप, स्किप टाइम में करता होता था ट्राइंगल दबा के, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में करता होता था एक्स से, ठीक है। रीस्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा अपना, रीस्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा अपना, ओके ठीक है। रीस्टार्ट इससे हो जाएगा, नहीं रीस्टार्ट होगा मेरा इससे, एट डेस्टिनेशन पॉइंट, आर टू है ना, आर टू रह जाएगा, क्लियर लास्ट पॉइंट, एल टू रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी यहाँ तक का। आगे आएगा जी मूव अप एंड डाउन, रोटेट लेफ्ट एंड राइट, इसकी ज़रूरत नहीं मेरे को। जैक्स क्यू रिलीज वाला बटन हो गया, विंच सेलेक्ट वाला बटन कौन सा है, विंच कहाँ से सेलेक्ट करूँगा मैं, मैप वाला तो हो गया, डिवाइसेस नेक्स्ट, कोई चलेगा कोई नहीं। व्हील यू आई, हाँ बस ठीक है, राइट वाला होगा राइट से, लेफ्ट वाला राइट से, बिल्कुल ठीक होगा जी। चलो यू आई लेफ्ट राइट, यू आई लेफ्ट राइट, ओके ये सारे आगे ठीक हो गया, सारा कुछ हो गया। इन्वेंट्री डिवाइसेस टॉगल कैमरा, इन्वेंट्री अब मैं खोलता हूँ,
अब चक्कर ये क्लच दबा के उसको कैसे खोलूं, वहां पे दिक्कत आ रही है दोस्त। क्लच दबा के कैसे खोलूं, वहां पे दिक्कत आ रही है। ऑप्शंस होगी, शेयर होगी, पी होगी। अब टायर इन्फ्लेशन सिस्टम का भी मसला है। नहीं, टायर इन्फ्लेशन इधर वाले से निकलता ना, जिसका मतलब हुआ ये निकला इधर वाला। कोई नहीं, ठीक है। डिवाइसेस निकलती हैं अपनी एक और चेक कर लेता हूँ मैं, कोई नहीं रहा। डिवाइसेस निकलती इससे, इन्वेंटरी निकलती इससे, तो ये टायर प्रेशर कम हो गया मेरा। ये रिड्यूस रहेगा शायद, 3 आएगी ना इसमें अभी। डिवाइसेस का क्या करना, डिवाइस क्लच दबा के होगा ना, डिवाइसेस, यस। तो ये क्लच दबा के निकलेगी, ठीक है। और अगर मैं ये थोड़ा चक्कर है ना, क्लच दबा के डिवाइस तो निकलेगी। सेटिंग्स में जाना दोबारा, यहाँ पे मेरे को कंट्रोलर की कंट्रोल स्क्रीन देखनी है क्या क्या है। अच्छा, अब दिक्कत क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे मेरे को R1+X हैंड ब्रेक है। एक क्विक विंच, एक मिनट ठहरो, एक तरीका और है, वो तो मैं कर ही सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है।